केरल तो लगभग हमारा शून्य की स्थिति में है और ये काम है देश का, तो तमिलनाडु को छोड़ नहीं सकते, इस काम से ही हो गए। लेकिन दक्षिण भारत के दो राज्य हमारा केरल और तमिलनाडु आया ही नहीं तो सरकार के सामने हमारी भद्दे और फिर गड़बड़ क्या होने वाली है, गड़बड़ ये होने वाली है कि फिर वो उत्तर वर्सेस दक्षिण ऐसा जैसे हमारे साथ, तो वो चिंता हमें परेशान कर रही है क्योंकि इतिहास में हमने ये देखा है उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में और मध्य भारत में, दक्षिण में बहुत कम बने। दक्षिण में थोड़े से नंबर बने वो आंध्र प्रदेश में बने, तमिलनाडु में बहुत कम और केरल में तो काफी बड़ा है। हम ऐसा मानते हैं कि अगर दक्षिण भारत से मान लो हमको करोड़ों में नहीं तो कुछ लाख मेंबर तो मिलने ही चाहिए, कम से कम दक्षिण भारत में हम कल हिसाब निकाल रहे थे तमिलनाडु अकेले राज्य में कम से कम 10 लाख ऐसे भारतवासी हैं जो उत्तर से हम इसमें तमिलनाडु में अपनी तरफ से मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हम कमजोर हैं काफी, हमारा संगठन अभी इतना बड़ा नहीं है, हमारी कक्षाएं भी नहीं चल रही है, शिक्षक भी होने लगे जितने उत्तर और दक्षिण में, तो इन सबको पढ़ाने में आप सभी 10 लाख मेंबर हमें हो जाए और हर जगह से 20-25 हज़ार का रिप्रेजेंटेशन हो जाए पूरे तमिलनाडु के से, तो बात में नहीं तो वहीं जाकर एक छोटी सी बात के लिए सारा मामला अटक सकता है। ये और संसद को ये कहने का कि जी विद्यार्थी इनके बीच में बताएंगे, अगर किसी भाषा की दिक्कत होगी तो मेरी यही दिल्ली तमन्ना थी कि आपका अनुवादन मैं मेरी जिंदगी में एक बार जरूर करूंगा, प्रभु से यही इच्छा करूंगा और यहाँ पर बधाने के लिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और श्रीमान आपका ज्यादा समय न लेते हुए श्रीमान राजीव जी दीक्षित को इस मंच पर आपके ही विषय स्वाभिमान स्वदेशी स्वास्थ्य और चिकित्सा पढ़कर तो मुझे भी ऐसा लगा कि 2.5 घंटे में इतने बहुल विषयों पर आप कैसे हम सबको अपनी विचारना समझाएंगे और मेरी पूरी विश्वास है कि आप पहली बार आए हैं यहाँ पर, बार बार आएंगे मदुरई की धरा पर और हमने अपने बहुमूल्य विचारों से प्रेरित और हमें भी इस पद पर आगे अग्रसर होने के लिए प्रेरित करते रहेंगे, धन्यवाद। इस सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय माताओं बहनों, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ उपस्थित हैं और मुझे आपसे संवाद करने का मौका मिल रहा है। मैं सबसे पहले सभी आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था की और मुझे आपके सामने प्रस्तुत होने का मौका दिया। भारत स्वाभिमान नाम का एक अभियान सारे देश में चल रहा है, उसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। यह अभियान परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने शुरू किया 5 जनवरी 2009। अभियान शुरू हुआ हरिद्वार से और अब लगभग 1.5 साल में ये अभियान भारत के 680 जिलों तक पहुँच गया। इस अभियान में लगभग 2,40,000 योग शिक्षक काम कर रहे हैं और 10,000 से ज़्यादा इसमें पदाधिकारी हैं। अगले 2 साल में 11,00,000 योग शिक्षक इस अभियान में और आने वाले हैं।
मतलब 2 साल बाद हमारे पास 13,40,000 युवक शिक्षक हो जाएंगे। और ये जो संख्या है 13,40,000, इस संख्या का मतलब है कि भारत के हर गांव में हमारे 2 योग शिक्षक हो जाएंगे। भारत में लगभग 6,38,365 गांव हैं, हर गांव में 2 योग शिक्षक। और साथ ही साथ अगले 4 साल में हम इस अभियान में 5 करोड़ लोगों को मेंबर बनाने वाले हैं, इस अभियान का सदस्य बनाने वाले। पर एक व्यक्ति अगर सदस्य बने तो वो कम से कम 10 लोगों को प्रभावित करता है। तो हमें ऐसा लगता है कि 50 करोड़ लोगों को हम प्रभावित कर पाएंगे इस अभियान के माध्यम से। काम क्या करना है, किस उद्देश्य के लिए हमने ये सब शुरू किया है, 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है भारत के हर नागरिक को स्वस्थ बनाना, निरोगी बनाना, रोग मुक्त बनाना। और दूसरा उद्देश्य है भारत देश को निरोगी बनाना, रोग मुक्त बनाना। नागरिक हमारे स्वस्थ हों और देश भी हमारा स्वस्थ हो। नागरिकों को स्वस्थ बनाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि इस समय अपने देश में बहुत बीमारियां हैं, इलाज किसी का नहीं है, बीमारियां बहुत हैं। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, हम जिसको कहते हैं ना प्रगति कर रहे हैं, उतनी ही तेजी से बीमारियां बढ़ रही हैं। जितनी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं उससे ज्यादा बीमारियां आगे बढ़ रही हैं। अगर भारत देश की आज की स्थिति का अंदाजा लगाएं आप, तो इस समय भारत में 5,70,00,000 लोग डायबिटीज के शिकार हैं। 5,70,00,000 बहुत बड़ी संख्या है। डायबिटीज बहुत खराब बीमारी और हर साल इसमें लोग मर रहे हैं डायबिटीज में, क्योंकि डायबिटीज का जो इलाज होता है ना वो डायबिटीज से ज्यादा खतरनाक है। इलाज में क्या होता है, इंसुलिन नाम की एक दवा आपको दी जाती है, या तो इंजेक्शन के माध्यम से या तो गोली के माध्यम से। इंसुलिन बहुत खराब है, डायबिटीज उतनी खराब नहीं है, उससे ज्यादा इंसुलिन खराब है। अगर कोई व्यक्ति लगातार इंसुलिन पर निर्भर हो जाए तो ये पक्का मान लीजिए कि उसकी दोनों किडनी फेल होंगे, पक्का है, कोई नहीं बचा पाएगा। अगर कोई व्यक्ति लगातार इंसुलिन पर निर्भर हो जाए तो उसके हृदय में कभी भी अटैक आ सकता है, हार्ट अटैक। और अटैक वो है ना, कार्डियक अरेस्ट। एक होता हार्ट अटैक और एक है कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक में तो जिंदा रहने की संभावना है, कार्डियक अरेस्ट में बचा नहीं पाते किसी को, क्योंकि समय नहीं मिलता उसमें। किसी भी व्यक्ति का अगर इंसुलिन पर निर्भरता है तो पक्का मानिए कि उसको पैरालिसिस हो जाएगा, कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, नपुंसकता कभी भी आएगी, आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगी। इंसुलिन की निर्भरता सबसे ज्यादा खराब। डायबिटीज के जो विशेषज्ञ है ना वो खुद कहते हैं डायबिटीज खतरनाक नहीं है, इंसुलिन खतरनाक है। अब समस्या क्या है कि इंसुलिन के अलावा दूसरा इलाज नहीं है, एलोपैथी में वही एकमात्र इलाज है। इसलिए मैं बहुत दुख से ये बात कहता हूँ आपसे कि लोग डायबिटीज से इतने नहीं मरते, इंसुलिन से मरते। और ये बीमारी 5,70,00,000 लोगों को है। ऐसे ही हृदय की बीमारी 4,80,00,000 लोगों को है। ब्लॉकेज है हार्ट में 4,80,00,000 लोगों को। इसी तरह से 12 करोड़ लोगों को आंखों की तकलीफ है, किसी को कम दिखता है, किसी को बिल्कुल नहीं दिखता, रात में नहीं दिखता, दिन में नहीं दिखता, रंगों का अंतर पता नहीं चलता, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। 12 करोड़ लोग हैं। 14 करोड़ लोगों को दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है। और दमा के बारे में सभी डॉक्टर ये कहते हैं कि दमा दम निकलने के बाद ही जाता है, माने इलाज नहीं है उसका। इसी तरह भारत में 17 करोड़ लोगों को घुटनों का दर्द है,
घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द, इसका भी इलाज है, अर्थराइटिस। और उसके दो हिस्से हैं, ऑस्टियो अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, और इससे भी ज्यादा खराब है गाउट, गठिया जिसको आप कहते हैं। 20 करोड़ भारतवासियों को हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन माने बीपी ऊंचा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। और अगर ये मैं सुनाता ही जाऊं तो आप सुनते जाओगे। 8 करोड़ भारतवासियों को कैंसर है और 25 लाख हर साल मर जाते हैं कैंसर में इस देश में। बीमारी ही बीमारी है। भारत सरकार कहती है कि 77 करोड़ भारतवासियों को भयंकर रोग, 77 करोड़, और जिनका कोई इलाज नहीं है, उपाय नहीं। और करीब 23 करोड़ भारतवासियों को सामान्य रोग है, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, टॉन्सिलाइटिस, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म। ये वो रोग हैं जो जल्दी ठीक हो जाते हैं, ये लाइलाज नहीं है। लेकिन ये रोग भी करीब 23 करोड़ लोगों को है, माने 100 करोड़ लोग पूरी तरह से बीमारियों की चपेट में है। ये देश की हालत है। अब सरकार के पास इनका इलाज करने के लिए पैसे नहीं। हमारी जो सरकार है, एक साल में 100 करोड़ जो बीमार लोग हैं उनके इलाज पर 23,700 करोड़ रुपए खर्च करती है, कुल मिलाकर 23,700 करोड़। और इसमें से लगभग 20,000 करोड़ रुपया खर्च होता है डॉक्टर्स और जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उसकी तनख्वाह और टीएडीए देना। माने चिकित्सा का जितना खर्च है उसका 80% तो डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, हॉस्पिटल की बिजली, हॉस्पिटल का पानी, हॉस्पिटल की बिल्डिंग, इन्हीं सब के खर्चे में चला जाता है 20,000 करोड़। आदमी जो है बीमार उनके इलाज पर खर्च होता है 3,700 करोड़। और बीमार हैं 100 करोड़, इसका माने हर आदमी के इलाज पर खर्च होता है 37 रुपया, और वो भी साल भर में, एक दिन में नहीं, पूरे साल में सरकार हर बीमार आदमी के लिए 37 रुपए बजट में खर्च करती है। अब 37 रुपए में 365 दिन क्या इलाज करोगे आप? सर्दी खांसी का भी इलाज नहीं हो सकता 37 रुपए में। डायबिटीज और अर्थराइटिस जैसी बीमारी तो हम भूल ही जाए। माने सरकार के पास पैसे नहीं है इलाज करने के। तो परिणाम क्या होता है, हम सब अपना इलाज करने के लिए खुद पैसे खर्च करते हैं। करना चाहिए सरकार को, लेकिन उनके पास पैसे ही नहीं, इसलिए हमें करना पड़ता है। सरकार को क्यों करना चाहिए आपका इलाज? इसलिए कि आप सरकार को टैक्स देते हैं इस काम के लिए। हम सब भारतवासी साल भर में सरकार को 21 लाख करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं, साल भर 21 लाख करोड़। और ये टैक्स हम तीन जगह देते हैं, एक तो केंद्र सरकार को देते हैं, फिर राज्य सरकार को देते हैं, फिर नगर पालिकाओं को देते हैं। केंद्र सरकार को जो हम टैक्स देते हैं हर साल, वो करीब 8.5 लाख करोड़ है, 8,50,000 करोड़। राज्य सरकारों को देते हैं वो करीब 10 लाख करोड़। 33 राज्य हैं तो सबका मिलाकर मैं बोल रहा हूँ 10 लाख करोड़। और 2.5 लाख करोड़ हम देते हैं नगर पालिकाओं को। भारत में करीब 14,000 नगर पालिकाएं हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो 2.5 लाख करोड़ नगर पालिकाओं को दे दिया, 10 लाख करोड़ राज्य सरकार को, 8.5 लाख करोड़ केंद्र को, कुल मिलाकर हमने दे दिया 21 लाख करोड़। और ये जो टैक्स हमने दिया इस उम्मीद में कि सरकार हमारी चिकित्सा की सुविधा करेगी, बिजली की सुविधा करेगी, पानी की सुविधा करेगी, सड़क की सुविधा करेगी, शिक्षा की सुविधा करेगी,
हमारी सुरक्षा की सुविधा करेगी, विदेशी आक्रमण से देश को बचाएगी, इसलिए तो टैक्स देते हैं, नहीं तो टैक्स देने का मतलब क्या। अब हम तो दे रहे हैं ईमानदारी से हर साल टैक्स, लेकिन सरकार उतनी ईमानदारी से हमारे ऊपर वो खर्च नहीं कर रही है। अगर मैं मोटी मोटी सी जानकारी आपको दूं, तो हर आदमी सरकार को साल में 21,000 से ज्यादा का टैक्स भर रहा है, हर आदमी, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर का तो मैं बात ही नहीं करता, वो तो जो दे रहे हैं वो खुद ही जानते हैं। गरीब से गरीब आदमी साल में 21,000 रुपए टैक्स में दे रहा है, और सरकार बदले में उसको 37 रुपए दे रही है चिकित्सा के खर्च पे। क्या होगा उसे? शिक्षा का खर्च अगर मैं बताऊं, तो सरकार 33 रुपए हर आदमी को खर्च कर रही है शिक्षा के लिए, 37 रुपए हैं चिकित्सा के खर्च में, शिक्षा के लिए 33 रुपए। पानी की व्यवस्था अगर करें तो उसके लिए 7 रुपए हर आदमी के लिए। सड़क की बात करें तो लगभग 9 रुपए। एक दिन मैंने ये सब जोड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, सब मिलाकर सरकार हमारे ऊपर खर्च करती है मुश्किल से 75 रुपए साल में, और हम सरकार को दे देते हैं 21,000 रुपए साल में हर व्यक्ति, और हर व्यक्ति पर खर्च हो रहा है 75 रुपए साल में। मतलब बात सीधी सी है कि हम जो दे रहे हैं बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो जा कहां रहा है सब पैसा? हम तो दे रहे हैं टैक्स में। किसी भी साल भारत सरकार ने ये नहीं कहा कि भारतवासियों ने हमें टैक्स नहीं दिया, हर साल हम टैक्स दे रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा दे रहे हैं। अभी 10-12 साल पहले 1 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते थे, अब 3 करोड़ लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं। इस समय सरकार कहती है कि अगले 2 साल में 5 करोड़ लोग इनकम टैक्स देंगे, माने टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ रही है, माने टैक्स का कलेक्शन बढ़ रहा है, माने सरकार की आमदनी बढ़ रही है। फिर सरकार को क्या मुसीबत है खर्च करने? और नए नए टैक्स लगा रहे हैं हमारे ऊपर, हमने जिंदगी में कभी नहीं सोचा सर्विस टैक्स हमारे ऊपर लगा दिया, अंग्रेजों ने भी नहीं सोचा कभी सर्विस टैक्स सरकार ने लगा रखा है। तो नए नए टैक्स भी हमें देने पड़ते हैं और हमारी सुविधा के लिए पैसे भी खर्च नहीं होते। आखिर ये जाता कहाँ है सारा पैसा, क्या होता है इस पैसे का? तो इसके बारे में थोड़े दिन पहले एक प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी, उन्होंने एक उत्तर दिया था, और कोई प्रधानमंत्री इसका उत्तर दे नहीं सका। राजीव गांधी ने उत्तर दिया था संसद में, जब वो प्रधानमंत्री बन के आए 1984 में, तो लोकसभा में सबसे पहला भाषण उनका जब हुआ, तो उन्होंने इसी प्रश्न का उत्तर दिया कि लोग जो टैक्स के रूप में हमें पैसा देते हैं सरकार को, बदले में हम लोगों को क्या देते हैं। तो उनका ये उत्तर था कि कोई आदमी अगर 1 रुपया मुझे टैक्स के रूप में देता है, राजीव गांधी का लोकसभा में बयान है कि अगर कोई एक आदमी मुझे 1 रुपये टैक्स में देता है, तो बदले में हम उसको 1 रुपये टैक्स के उसमें से निकाल के, खजाने में से निकाल के विकास के लिए देते हैं, तो उस आदमी तक 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा जेल में गया, अधिकारियों की जेल में गया। और पूरे देश का आंकड़ा ये निकलता है 18 लाख करोड़ हर साल लूटता है इस देश में, घूसखोरी में, भ्रष्टाचार में, रिश्वतखोरी में। तो आपके लिए फिर पैसे बचेंगे कहाँ? 21 लाख करोड़ का टैक्स दिया आपने, 18 लाख करोड़ लूट गया, अब उसमें से जो बच गया 3 लाख करोड़, उसमें से जाएगा सेना के लिए 1.5 लाख करोड़, तो अब रहेगा 1.5 लाख करोड़। अब 1.5 लाख करोड़ में क्या होगा पूरे देश का, जिसकी आबादी 120 करोड़। इसलिए भारत में कोई भी काम सरकार ठीक से नहीं कर पाती, ना शिक्षा का कर पाती है। शिक्षा का काम कितना बुरा है सरकार का,
आजादी के 63 साल के बाद भी भारत में 50 करोड़ लोग निरक्षर हैं, और इससे भी ज्यादा दुख है मुझे कि भारत में जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं ना पहली कक्षा में सारे देश में, उसमें से मुश्किल से 2% ही उच्च कक्षा तक पहुंच पाते हैं। पहली कक्षा में अगर मान लो 100 बच्चों ने एडमिशन लिया तो आखिरी कक्षा तक पहुंचते पहुंचते वो 2 रह जाते हैं। आखिरी कक्षा माने एमए मान लो, एमएससी मान लो, एमकॉम मान लो, एमबीए मान लो, जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं। इतना बुरा हाल है हमारी शिक्षा, और 50 करोड़ से ज्यादा निरक्षर है इस देश में। और इससे भी ज्यादा बुरा हाल है कि भारत में जितने विद्यालय चल रहे हैं बच्चों को पढ़ाने वाले, इनमें से 90% विद्यालयों में टॉयलेट नहीं है और बाथरूम नहीं। 90% पूरे भारत, और जहां टॉयलेट नहीं होगा बाथरूम नहीं होगा वहां बिल्डिंग कैसी होगी आप अंदाजा लगा। वो स्कूल पेड़ के नीचे लगते हैं, बारिश भयंकर हो जाए तो स्कूल नहीं चलता, इतना बुरा हाल है। बिजली की बात करें तो बिजली हिंदुस्तान में अभी आजादी के 63 साल के बाद 3 लाख गांव तक पहुंची नहीं अभी तक। मेरा जन्म उत्तर भारत के एक गांव में हुआ, उस गांव का जिला है अलीगढ़। अलीगढ़ जो है दिल्ली से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है, माने राजधानी के नजदीक है। तो मेरा गांव राजधानी से 130 किलोमीटर है और मेरे गांव में बिजली नहीं है अभी। मेरी पूरी पढ़ाई लालटेन में की है मैंने, मोमबत्ती और लालटेन, और मेरे जैसे 3 लाख गांव है देश में। इतना बुरा हाल है, सड़क नहीं है 4 लाख गांव में, बिजली नहीं है 3 लाख गांव में, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बीमारियों का इलाज करने के लिए दवाएं नहीं है। तो ये इतना बुरा हाल देश का क्यों है? एकमात्र कारण है उसका राजीव गांधी का उत्तर कि हम जो टैक्स में इकट्ठा करते हैं इसका 85% लूट लेते हैं हम, 15% बचता है, उसमें पूरे देश का खर्च नहीं चल पाता। अब मैं इससे भी ज्यादा खराब बात आपसे कहने आया वो ये कि राजीव गांधी अब जीवित नहीं, उनका बेटा है राहुल गांधी, वो इस समय लोकसभा में है। उसने अभी कहा कि मेरे पिताजी के समय में 1 रुपए से 15 पैसा गरीब आदमी तक पहुंचता था, अब मेरे समय में 1 रुपए से 8 पैसा ही गरीबों तक पहुंचता है। अब 2010 में इतना बुरा हाल, सिर्फ 8 पैसा पहुंचता है, माने भ्रष्टाचार और बढ़ गया है, घूसखोरी रिश्वतखोरी और बढ़ गई। तो हम ये अपेक्षा अब नहीं रख सकते कि सरकार हमारी शिक्षा की व्यवस्था करे, चिकित्सा की व्यवस्था करे या विकास करे, हो ही नहीं सकता। जब तक भ्रष्टाचार पर हम रोक नहीं लगाते, कानून नहीं बनाते, कठोरता नहीं उठाते, तब तक तो किसी का भी विकास होना संभव नहीं। अब एक तरफ ये स्थिति है, सरकार के पास पैसे नहीं है इलाज करने, और दूसरी तरफ बीमारियां रात दिन बढ़ रही हैं, तो क्या किया जाए? तो एकमात्र उपाय है कि हर आदमी को इलाज करने के लिए खुद तैयार किया जाए। हमारे बजट में 2 शब्द इस्तेमाल होते हैं अक्सर, आप बजट भाषण सुने ना, तो सरकार का वित्त मंत्री जब बजट पेश करता है तो 2 शब्दों को बार बार रिपीट करता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? सरकार के द्वारा किया गया खर्चा। तो मैंने कहा हर व्यक्ति पर 37 रुपए खर्च होगा सरकार, ये है पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर आपके द्वारा आपके लिए किया गया खर्चा,
वो है प्राइवेट एक्सपेंडिचर। जब सरकार खर्च नहीं करेगी चिकित्सा पर तो आपको ही खर्च करना पड़ेगा अपनी चिकित्सा पर। तो दुख ये है कि आप 21 लाख करोड़ का तो टैक्स दे देते हो, फिर उसके बाद अपने इलाज पर 7 लाख करोड़ रुपए और खर्च करते हो हर साल। सरकार को दे दिया 21 लाख करोड़, अब 7 लाख करोड़ और खर्च करोगे तब आप अपनी चिकित्सा की व्यवस्था कर पाओगे, माने ये है प्राइवेट एक्सपेंडिचर। और ये जो 7 लाख करोड़ रुपए आप खर्च करोगे अपने इलाज पर, ये कहां से आएंगे? तो इस पैसे को जमा करने के लिए कोई दुकान बेचता है, कोई मकान बेचता है, कोई घर के गहने बेचता है, कोई दुकान और मकान को गिरवी रखता है, कोई खेत बेचता है, कोई खलियान बेचता है, और किसी के पास बेचने को कुछ नहीं है तो कर्ज लेता है, तब जाके इलाज हो पाता है, क्योंकि इलाज बहुत महंगा है। एक छोटी सी इलाज की बात करूं, हमको हार्ट अटैक आए तो हम जाते हैं ऑपरेशन के लिए, उसका नाम है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी सबसे आसान ऑपरेशन है, सबसे आसान, सबसे सस्ता, सबसे आसान, लेकिन ये कितना महंगा है आपके लिए। एक एंजियोप्लास्टी कराने में कम से कम 1.5 लाख रुपए खर्च होता है, और अपोलो जैसे हॉस्पिटल में 2-2.5 लाख खर्च होता है। और इलाज में किया क्या जाता है, आपके हृदय में रक्त देने वाली जो वाहिकाएं हैं, जिनको हम आर्टरीज और वेन्स कहते हैं, कुछ रक्त लेके आती है कुछ लेके जाती है। बारे में अच्छे से पता चल गया डॉक्टर को कि मोटी पार्टी है तो 3 लाख भी ले लेगा, और आप में थोड़ी बेशर्माई है, वैसे है नहीं, लेकिन हम में से कुछ लोग जो थोड़े बेशर्म किस्म के हैं वो डॉक्टर से भाव तोल करेंगे तो उनसे 75,000 भी ले लेगा वही डॉक्टर, कभी कभी 50,000 में भी कर देगा वही ऑपरेशन, क्योंकि उसका क्या जाता है, 10 रुपए का माल है उसका, 50,000 भी उसको पैसे ही मिले। और आजकल चेन्नई और बेंगलोर में ऐसे कई हॉस्पिटल हैं जो एक पर एक फ्री ऑपरेशन कर रहे हैं। हाँ, एक पर एक फ्री, बहुत हॉस्पिटल। तो माने ऐसा धंधा चल पड़ा है जैसे सब्जी भाजी बेचने का, 1 किलो आलू लो 1 किलो प्याज फ्री, एक ऑपरेशन कराओ दूसरा ऑपरेशन फ्री, इसका माने लूट इसमें इतनी बड़ी है आप सोच नहीं सकते। और कानून कोई है नहीं इस देश में, आप एंजियोप्लास्टी मदुरई में कराओ हो सकता है 75,000 खर्च हो, वो मद्रास में कराओ हो सकता है 1 लाख रुपए खर्च हो, वो दिल्ली में कराओ तो हो सकता है 1.5 लाख खर्च हो, कुछ फिक्स नहीं है। एक ही ऑपरेशन 3 अलग शहरों में कराओ अलग अलग खर्चा है, जबकि वो डलना एक ही स्प्रिंग है 10 रुपए का, ध्यान रखना 10 रुपए का माल आपसे 1.5 लाख रुपए लेगा। और इसमें समस्या पता है क्या है, समस्या ये है कि जो स्प्रिंग डालते हैं वो 6-8 महीने में बेकार होता है, उसकी उम्र उतनी, 6 से 8 महीने के बाद वो बिल्कुल बेकार है, फिर दोबारा अटैक आपको आता है, फिर दूसरी स्प्रिंग डालता है डॉक्टर, फिर 6-8 महीने बाद तीसरा अटैक आता है, और 3 अटैक के बाद फिर आपकी जयराम जी की हो जाएगी। डॉक्टर आपसे ले लेगा कम से कम 4.5-5 लाख और आप भगवान जी के पास चले जाएंगे, ये है सारा खेल। कारण जानते हैं क्या है, ये जो एंजियोप्लास्टी है ये सक्सेस नहीं है, सफल नहीं है, सारी दुनिया के विशेषज्ञ कहते हैं ये सफल नहीं है। तो आप कहोगे जी बाईपास कराएं क्या, बाईपास भी सफल नहीं है, आज आपने बाईपास कराया कल फिर अटैक आ सकता है, आप कोई गारंटी नहीं उसकी। तो आपको ओपन हार्ट सर्जरी, उसकी भी कोई गारंटी नहीं, ये तो बड़ी समस्या है, खर्चा भी करें और इलाज की कोई गारंटी नहीं। सभी के बारे में यही कहा जा सकता, आपको अगर बीपी है हाई, कोई गारंटी नहीं ले सकता कि आपका बीपी ठीक करा दे वो किसी भी दवा से, वो कहेगा जिंदगी भर खाओ गोली। अब जिंदगी भर तो खाना खाया जाता है, गोली थोड़ी खाई जाती है,
गोली तो महीने दो महीने खाए ठीक हो जाए, उतना ही है, खाना खा सकते हैं रोज, लेकिन वो कहते हैं रोज गोली खाओ, चार सुबह चार दोपहर चार शाम गोली ऐसे खाओ जैसे सब्जी खाते हो, सब्जी की जगह गोली खाओ। ऐसा पूरे देश में माहौल, डायबिटीज हो जाए तो जिंदगी भर इंसुलिन लगाओ, हाई बीपी हो जाए जिंदगी भर गोली खाओ, ये गठिया बात हो गया जिंदगी भर पेन किलर खाओ, ये समस्याएं देश में है। और एक बहुत खराब स्थिति है कैंसर के मरीजों की, कैंसर के मरीजों का तो इतना बुरा हाल है, लाखों रुपए तो चले जाते हैं, मरीज भी चला जाता है। और कैंसर के सारे डॉक्टर एक बात कहते हैं कि मरीज कैंसर से नहीं मरता, कैंसर का जो ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है उससे मरता है, जो कीमोथेरेपी और वो सब करते हैं ना उसमें मर जाता है। तो ऐसा घटाटोप का माहौल है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो एकमात्र रास्ता हमको दिखाई देता है वो ये कि हर व्यक्ति को कुछ ऐसा ज्ञान दिया जाए कि वो अपनी हर बीमारी को खुद ठीक करे, डॉक्टर पे निर्भर ना रहे, दवाओं पे तो बिल्कुल ना रहे। हम जो दवाएं खाते हैं, डॉक्टर हमें जो दवाएं खिलाता है, शायद आप नहीं जानते जिन दवाओं को आप खाते हो दुनिया में उन्हें कोई नहीं खाता। अमेरिका के लोग जिन दवाओं को नहीं खाते, जर्मनी के लोग नहीं खाते, फ्रांस में नहीं खाते, इंग्लैंड में नहीं खाते, हमारा पड़ोसी बांग्लादेश जिन दवाओं को नहीं खिलाता अपने लोगों को, वो दवाएं हम खाते हैं। नाम लेके बताता हूं, एक दवा है उसका नाम है वोवेरॉन, ये अक्सर खिलाई जाती है जब बुखार आता है, तो वोवेरॉन का इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर या गोली खिलाता है। आपको सुनकर बहुत तकलीफ होगी कि दुनिया के 56 देशों में वोवेरॉन नाम की दवा 20 साल से बंद है, 56 देशों में 56। कारण क्यों? वोवेरॉन का इंजेक्शन अगर गलती से आपने लगवा लिया कभी भी किडनी फेल हो जाएगी, सबसे ज्यादा दुष्परिणाम उसका किडनी पर। और हम तो पतंजलि योगपीठ में रहते हैं, हर दिन 2000 मरीज आते हैं हमारे यहाँ, हमारी ओपीडी भारत की सबसे बड़ी ओपीडी है पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के, 2000-2500 मरीज रोज आते हैं, कम से कम 500 मरीज रोज आते हैं जिनकी किडनी फेल रोज। और कहानी जब सुनता हूं मैं उनकी, तो कहानी एक ही है जी, वोवेरॉन का इंजेक्शन लगाया किडनी फेल। कोई कहेगा जी पैरासीटामोल मुझको दिया किडनी मेरी फेल। तो पैरासीटामोल और वोवेरॉन ये दो खतरनाक दवाएं दुनिया के देशों में कहीं नहीं बिकती क्योंकि ये किडनी फेल कराती हैं, भारत में धड़ल्ले से ये दोनों ही दवाएं बिक रही। एक दवा है उसका नाम है क्विलोकिनोल, ये दवा दी जाती है जब आपको डायरिया हो जाए, डिसेंट्री, दस्त हो जाए, पेचिश हो जाए, तो डॉक्टर आपको क्विलोकिनोल जरूर खिलाएगा। ये क्विलोकिनोल दुनिया के 104 देशों में बंद है पिछले 40 साल से। कारण क्या है? क्विलोकिनोल अंतड़ियों में घाव कर देती है और वो घाव बढ़ते बढ़ते अल्सर, फिर पेप्टिक अल्सर में बदलता है, बाद में कैंसर होता, आदमी मर जाता। बच्चे को गलती से आप क्विलोकिनोल दे दें तो आंखों की रोशनी चली जाती है, इतनी खतरनाक है। भारत में खूब धड़ल्ले से दवा बिक रही है। एक दवा है उसका नाम है मैक्साफोम और एक उसकी सहयोगी दवा है एंट्रोबायोफोम, बहुत ही खतरनाक दवा है, 150 से ज्यादा देशों में बंद है ये दोनों दवा, भारत में बिक रही है। एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवालजिन, एनालजिन सब बंद है, हमारे पड़ोसी देशों में बंद है, बांग्लादेश में, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत में बिक रहे। ऐसी अपने भारत में 84,000 दवाएं बिक रही हैं जो दुनिया भर में बंद है। कैसे चल रहा है ये सारा खेल? ये सारा खेल चल रहा है करप्शन पे।
दवा बेचने वाली कंपनियां मिनिस्टर को पैसे खिलाती हैं, लाइसेंस ले लेते हैं, उस लाइसेंस से दुनिया की सबसे घटिया से घटिया दवा बनाते हैं, फिर वही बेचने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नाम का एक जीव पैदा हुआ है सारी दुनिया में, ये दवाएं बिकवाने के काम रात दिन धंधे में लगा रहता है। वो एक एक डॉक्टर के पास जाएगा, कन्विंस करेगा उसको और कहेगा डॉक्टर साहब देखो नई दवा आई है हमारी कंपनी की। डॉक्टर पूछेगा मेरा क्या, तो वो कहेगा 30% कमीशन आपका, 25% आपका, 40% आपका। डॉक्टर उस कमीशन के लालच में दवा लिखना शुरू कर दे। नेताओं को कमीशन दिया, लाइसेंस मिला, फिर डॉक्टर को कमीशन दिया, दवा बिकी, फिर केमिस्ट और ड्रगिस्ट को कमीशन दिया तो उन्होंने दवाएं घर घर पहुंचाई। सारा धंधा कमीशन पे आधारित है, इसमें आपके हेल्थ का कोई महत्व तो नहीं है, ध्यान देना, कमीशन का महत्व। आप मर जाओ किसी को कोई लेना देना नहीं, उनको कमीशन पक्का। मैं बहुत सारे डॉक्टरों से बहस करता रहता हूं और उनसे एक बात कहता हूं कि जो दवा तुम दूसरे मरीजों को लिखते हो वो तुम्हारी अम्मा को दे सकते हो, पिताजी को दे सकते हो, खुद खा सकते हो। कहते हैं जी हम नहीं खाते हो, क्योंकि मालूम है इसका साइड इफेक्ट है, लेकिन मरीजों को लिखते हैं। ऐसी बेईमानी इस बिजनेस में आ गई। फिर क्या उपाय है? एकमात्र उपाय है, मैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करने आया, बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो। बीमारी खतरनाक नहीं है, डॉक्टर खतरनाक। जो दवाएं वो लिखेगा आपको बीमारी में, वो एक बीमारी से दूसरी बीमारी में आपको लेके जाएंगी, दूसरी से तीसरी बीमारी, तीसरी से चौथी बीमारी, जिंदगी आपकी हराम होने वाली है। हमारी घर में जो माताएं हैं ना, पता नहीं कितनी माताएं ये बात जानती हैं कि उनके मोटापे का कारण डॉक्टर की बेईमानी। ज्यादातर घरों की माताओं को मैं ये शिकायत करते पाता हूँ, जी वजन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है वजन? फिर उनकी केस हिस्ट्री लेता हूँ तो 100 माताओं को जब मैं पूछता हूँ तो 99 माताएं बताती हैं कि वजन बढ़ना तब से शुरू हुआ जब से बच्चा पैदा हुआ। तो भाई बच्चा पैदा हुआ तो आपका वजन क्यों बढ़ना चाहिए? तो वो सीजर हुआ, बस सारी कहानी यहाँ पे। जिन माताओं के बच्चे सिजेरियन होंगे उन माताओं का वजन तो भगवान भी नहीं रोक पाएगा बढ़ने से, वो तो बढ़ने ही वाला, कोई नहीं रोक सकता। तो कैसे रुकता? एक ही ईमानदारी अगर डॉक्टर करता कि सीजर नहीं करता, नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा होता, वजन नहीं बढ़ेगा कभी भी। जब आप जबरदस्ती उसको फोर्सेप करोगे तो माँ को तो तकलीफ जिंदगी भर होने वाली है, माताओं को ये पता नहीं है। और ज्यादातर माताएं सीजर कराने के चक्कर में अपनी जिंदगी खुद खराब कर लेती हैं। और कई बार माताएं मुझे बताती हैं कि हमने चाहा था कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो, ये डॉक्टर ने नहीं होने दी, डरा दिया, 50 बातें उल्टी सीधी बोल देता है। मां डर जाती है, घर वाले डर जाते हैं, तुरंत कहते हैं भैया कर दो ऑपरेशन। जबकि भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि हर बच्चे का जन्म प्राकृतिक तरीके से हो, सारी व्यवस्था भगवान ने कर रखी है, लेकिन ये बेईमान डॉक्टर होने नहीं देता, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हो तो पैसे नहीं बनते उसके। ये इतना बड़ा रैकेट है पूरे देश में, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और अब तो रैकेट पर रैकेट है, पता चला पेट में आपको दर्द है, डॉक्टर तुरंत कहेगा अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन, आप ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाओ, पता ही नहीं चलने देगा, आपकी किडनी काट के निकाल लेगा और बेच लेगा और पेट सिल देगा, आपको पता ही नहीं कि आपकी किडनी काट ले। और चूंकि एक किडनी से जिंदगी बीत जाती है तो पता ही नहीं चलता कि उसकी एक किडनी कटी हुई है। 10 साल 15 साल बाद दोबारा कभी दर्द उठता है और अल्ट्रासाउंड कराता है या सोनोग्राफी कराता है, तब पता चलता है एक किडनी तो गायब।
ये सारा बेईमानी का खेल है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कहने आया, बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो, बीमारी से नहीं दवाओं से बचो। तो आप बोलेंगे जी क्या करें, दो चार बातें बताता हूं जिनका अपने जीवन में आप पालन करो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सबसे पहली बात ये कि आपको कोई बीमारी जिंदगी में आए नहीं, पहले तो ये कोशिश करो। वो एक अंग्रेजी की कहावत है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस कहावत में थोड़ा संशोधन करना चाहिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमेशा रोकथाम जो है ना बीमारी से अच्छी है, हमेशा, एक बार की नहीं, हमेशा। तो आप कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में कि बीमारी मत पड़ो। आप पूछोगे क्या ये संभव है, हाँ ये संभव है। मैंने जी के देखा अपना जीवन, ये बहुत संभव है, बहुत आसान है। आपको हैरानी होगी, मैं पिछले 20 साल से एक दिन भी बीमार नहीं पड़ा। 20 साल हो गए, शायद अगले 20 साल नहीं पढ़ूंगा। पिछले 20 साल में एक दिन भी हॉस्पिटल में नहीं गया, एक दिन भी, और अगले 20 साल भी नहीं जाऊंगा। क्या कारण है? मैं अपनी जिंदगी में आयुर्वेद चिकित्सा के कुछ नियम का पालन करता हूं, वो नियम ने मुझे बचा रखा है। आप भी करोगे तो आप भी बच जाओगे। हमारी दुनिया में एकमात्र चिकित्सा पद्धति है जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं, जो बीमारी से बचना सिखाती है। आयुर्वेद का सूत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् उपद्रवे। सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, किसी को कभी कोई रोग ना आए, कभी कोई दुख ना हो। ये मात्र एक ही सूत्र है सारी दुनिया में जो आयुर्वेद से निकला है, बाकी एलोपैथी में ऐसा कोई सूत्र नहीं है, होम्योपैथी में भी नहीं। पूरी एलोपैथी चिकित्सा में ऐसा कोई सूत्र नहीं है सर्वे भवन्तु सुखिना के बराबर। सब सुखी रहे माने निरोगी रहेंगे, तभी तो सुखी रहेंगे। तो आप निरोगी रहो माने सुखी रहो, ये आयुर्वेद सिखाता है। और इसके लिए आयुर्वेद में सबसे ज्यादा रिसर्च की गई है, निरोगी कैसे रहे, स्वस्थ कैसे रहे। और इसके लिए एक दो नहीं, सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं आयुर्वेद, सैकड़ों। कुछ नाम बताता हूं, बहुत सुंदर एक किताब है अष्टांग हृदयम, एक बहुत सुंदर किताब है अष्टांग संग्रहम, एक बहुत सुंदर किताब है भाव प्रकाश, एक बहुत सुंदर किताब है निघंटू, एक बहुत सुंदर किताब है चरक संहिता, एक बहुत सुंदर किताब है सुश्रुत संहिता। ऐसी सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं आयुर्वेद में एक ही विषय पर, स्वस्थ कैसे रहे, निरोगी कैसे रहे, 100 साल की जिंदगी बिना रोग के कैसे काटें, माने 100 साल जिंदा रहे और रोग कोई ना आए। ऐसी अद्भुत पुस्तक है, आप पढ़ो इनको, थोड़ा समय निकालो। मैं तो बहुत लोगों को कहता हूं सवेरे सवेरे फालतू अखबार पढ़ने में जो आधा घंटे लगाते हो, ये आयुर्वेद पढ़ने में लगा दो तो जिंदगी संवर जाएगी। क्योंकि अखबार में तो बलात्कार, चोरी, डकैती, बेईमानी, भ्रष्टाचार, इसके अलावा तो कुछ छपता नहीं। और अगर छपता हो तो बताओ मुझे, उसमें आधा घंटे रोज हमारा बर्बाद होता है, कई कई लोगों का एक घंटा बर्बाद होता है। ये रोज का एक घंटा निकाल के कोई ऐसी पुस्तक पढ़ लें चिकित्सा और स्वास्थ्य की, तो अपने भी काम आए, पूरे परिवार के काम। समय निकाल के सही चीज पढ़ने की आदत डालो। रात को सोते सोते नींद नहीं आ रही, 15-20 मिनट पढ़ते पढ़ते सो, नींद भी अच्छी आएगी, ज्ञान भी मिलेगा। आप बोलोगे ये पुस्तकें मिलती क्या है, बाजार में मिलती हैं, खरीद लो, ज्यादा महंगी नहीं, 200-250 रुपए में मिल जाती है अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रम भी उतने में ही आ जाती है, सस्ती है। और आपको तो अब खुशी होगी कि ये हिंदी में भी है ना, वैसे ये सब मूल पुस्तकें संस्कृत में है, लेकिन अब विद्वानों ने उसका हिंदी भाषांतर भी कर दिया है, आप बाजार से ले सकते हैं। और बाजार में अगर जाओ ना मिले तो ये जो अष्टांग हृदय पुस्तक है
मैंने भी इसको लिखा है, अपने तरीके से लिखा और बहुत सरल कर दिया और थोड़ा संक्षिप्त कर दिया है। अष्टांग हृदय मूल तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, कम से कम उसमें 3,500-4,000 पन्ने, बहुत बड़ा है। मैंने बहुत छोटा कर दिया उसको, 125 पन्ने में छोटी पुस्तक बना दी, आम आदमी के काम आ सके। वो यहाँ मैं लाया हूँ, आप चाहो तो ले लेना, बहुत सस्ता है, शायद 25 रुपए का, बाजार में तो 250 रुपए का, क्योंकि बाजार में तो जो छापने वाला है उसको अपना मुनाफा भी चाहिए। हमने इसको छापा है, कोई पैसा हमें ना मिले, जितना खर्च छपाई में आया उतने में, और उसमें हमने रंगीन कागज नहीं लगाया, सस्ता वाला कागज लगाया, उसमें हार्ड बाउंड कवर पेपर नहीं लगाया, सरल सा तो सस्ता कर दिया ताकि कोई भी गरीब आदमी खरीदे। इस पुस्तक में अद्भुत बातें हैं, 2-4 बताता हूँ आपको, जिंदगी भर याद रखो आप उसको। पहली बात यह है कि आप बीमार मत पड़ो तो क्या करें। आयुर्वेद में अष्टांग हृदयम में सूत्र है कि आयुर्वेद अष्टांग हृदयम कहता है बीमार नहीं पड़ने के लिए 3 बातें ध्यान रखो, वात पित्त और कफ, इनको संतुलित रखो, बस बीमार नहीं पड़ेगा। वात पित्त और कफ, आपको मालूम है वात पित्त कफ के 3 दोष हैं जो आपके बीमारी का कारण है। ये बीमार कब बनाते हैं किसी व्यक्ति को, जब वात पित्त कफ में संतुलन टूट जाता है, असंतुलन आ जाता है, वात बहुत बढ़ गया, पित्त बहुत घट गया, कफ बहुत बढ़ गया, वात बहुत घट गया, तभी बीमारी आएगी। जो वात पित्त कफ संतुलित है, समान है, तो बीमारी आने की कोई संभावना नहीं। ये आयुर्वेद का मूल रहस्य है। अब आप वात पित्त कफ को ठीक कैसे रख सकते हैं, इसके लिए छोटी छोटी बातें बताता हूँ। सब माताएं जरूर इसको ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपके बहुत काम की है, वैसे तो सबके काम की। वात को संतुलित रखना है अगर जिंदगी भर, तो शुद्ध तेल खाओ, ये पहली बात, शुद्ध तेल खाओ। अब आपके मन में तुरंत सवाल आएगा, क्या हम तेल शुद्ध नहीं खा रहे? हाँ, आपका तेल शुद्ध नहीं है। जिन जिन को घर में वात की बीमारी है, समझ लो तेल किसी का शुद्ध नहीं है। आप बोलेंगे जी हम तो बाजार से लाए हैं, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड। ये डबल रिफाइंड ट्रिपल रिफाइंड माने जहर, तेल नहीं। आपको मालूम है ये डबल रिफाइंड ट्रिपल रिफाइंड चक्कर क्या है? तेल जो होता है ना, जो तेल मिल से निकाला जाता है, जैसे तिल, जैसे सरसों, जैसे नारियल, जैसे मूंगफली, आपने दे दी किसी तेल मिल वाले को, उसने पीस के तेल निकाल दिया, ये है शुद्ध तेल, ये खाओ। तो फिर बाकी तेल क्या है? बाकी में सब है मिलावट। वो मिलावट पता है क्या है? तेल को जब रिफाइन करते हैं तो तेल की चिकनाई निकालते हैं, और जब तेल की चिकनाई निकल जाती है तो तेल पानी हो जाता है। और तेल की जब एक बार चिकनाई निकाली जाती है तो उसको कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ ऑयल, जब 2 बार चिकनाई निकालते हैं तो डबल रिफाइनिंग, और 3 बार निकाल लिया तो ट्रिपल रिफाइनिंग। तो बचा क्या? उसमें पानी है, वो तो आप चिकनाई से घबराने लगे आजकल। हाँ, और डॉक्टरों ने डरा दिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा जी, चिकनाई मत खाना। मैं आपको जो कहने आया हूं ये कि चिकनाई खाना, देख के खाना, कौन सी खाने लायक है, कौन सी खाने लायक नहीं है। चिकनाई दुनिया में 2 तरह की है, एक अच्छी और एक बुरी। बुरी चिकनाई कभी मत खाओ, और अच्छी चिकनाई जरूर खाओ। जो अच्छी चिकनाई होती है वो शरीर में बढ़ाती है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL, ये अच्छी चिकनाई। और जो बुरी चिकनाई है वो बढ़ाती है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो वो चिकनाई कभी मत खाओ जिससे LDL बढ़े, वो खतरनाक है, और वो चिकनाई जरूर खाओ जिससे HDL बढ़े, क्योंकि उसकी जरूरत है।
ये जो अच्छी चिकनाई आप नहीं खाओगे तो क्या होगा वो भी बता दूं, आपका शरीर चूसे हुए आम के जैसा हो जाएगा। आम चूसने के बाद कैसा दिखता है, ऐसा हो जाएगा। चिकनाई तो खाओ, नहीं तो शरीर की चमक चली जाएगी। ये जो चेहरा चमकता है ना हमारा, ये चिकनाई के कारण। अगर चिकनाई नहीं है शरीर में तो पिलपिला हो जाएगा, देखने में अच्छा ही नहीं लगे। तो चिकनाई तो खाओ अच्छी वाली। अब आप पूछोगे अच्छी चिकनाई कहाँ मिलती है, अच्छी चिकनाई मिलती है शुद्ध तेल। शुद्ध तेल मैंने बता दिया, नारियल, सरसों, तिल, मूंगफली, उसको मिल में डाला, मशीन में सीधे तेल निकला, कुछ मिलाया नहीं, कुछ किया नहीं, वो तेल शुद्ध, वो खाओ और जिंदगी भर खाओ, कोई तकलीफ नहीं आने वाली, क्योंकि शुद्ध तेल से HDL बढ़ता है और वो हमें चाहिए। अशुद्ध तेल मत खाओ। अब अशुद्ध तेल कौन सा, रिफाइंड तेल, डबल रिफाइंड तेल, ट्रिपल रिफाइंड तेल, डालडा, सबसे खतरनाक अशुद्ध तेल है डालडा, वेजिटेबल ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल मत खाओ, रिफाइंड तेल मत खाओ, डालडा वगैरह मत खाओ, ये तेल से जिंदगी भर बचो, शुद्ध तेल खाओ। किसका खाएं, जो आपकी तासीर को सूट करे उसका खाओ। किसी को लगता नारियल का तेल अच्छा तो नारियल का खाओ, तिल का किसी को सूट करे तिल का खाओ, मूंगफली का करे मूंगफली का खाओ। वैसे आप जहां रहते हो यहां के लिए नारियल तेल ही अच्छा है, जब आप राजस्थान जाओगे तो वहां के लिए सरसों का तेल अच्छा है, जब आप जम्मू कश्मीर जाओगे वहां के लिए तिल का तेल बहुत अच्छा है। पहाड़ में रहें तो तिल का तेल, मैदान में रहें तो सरसों आदि का तेल, और समुद्र के किनारे रहें तो नारियल का तेल। शुद्ध खाओ, कभी तकलीफ नहीं आएगी, और जिंदगी में वात का कभी कोई रोग नहीं आएगा, शुद्ध तेल की इतनी ताकत है। और वात के 80 रोग हैं, 80 शरीर में, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द, ऐसे 80 रोग हैं। ये सब रोगों से बच जाओगे शुद्ध तेल का। अब कहां से आएगा, मदुरई में ढूंढो कोई तेल मिल है क्या, नहीं है तो लगा लो, बहुत सस्ते में मशीन आती है आजकल। जो गुजरात वाले भाई बहन ना, राजकोट में मैंने देखा शुद्ध तेल निकालने की मशीन 50,000 की, और वो इतनी छोटी है कि 10 फीट लंबा कमरा, 10 फीट चौड़ा कमरा उतने में लग जाती है, और सब तरह के तेल एक ही मशीन से निकल आते हैं। नारियल का भी निकलता है, सरसों का भी निकलता है, तिल का भी निकलता है, मूंगफली का भी उसी मशीन से निकलता है। तो 50,000 की मशीन का ऑर्डर दे दो, यहाँ लगवा लो, क्या मुश्किल है। अपनी अपनी नारियल लेके जाओ, तेल निकलवा के लाओ, मूंगफली लेके जाओ, तेल निकलवा के लाओ, और या तो कोई पुरानी तेल मिल होगी ढूंढ लो, उसे जिंदा कर दो, बंद हो गई होगी वो, फिर वापस चालू करो, और नहीं तो मेरी बात मानो, एक लकड़ी का कोल्हू बनवा लो, बड़ा ही यहाँ है, 15,000-20,000 में लकड़ी का वो कोल्हू बन जाता है जो बैल से चलता है, वो सबसे बढ़िया है, उसमें से तेल निकलवा के खाओ, जिंदगी में कभी भी वात का रोग नहीं आएगा। और नहीं तो तैयार रहो, 80 रोग आएंगे और सारी कमाई आपकी जिंदगी की इन रोगों में ही चली जाए। तो आप तय कर लो क्या करना है। मैंने तो बता दिया भैया, शुद्ध तेल खाओ, एक मशीन लगवाओ, नहीं तो कोल्हू लगवाओ, बैल से चलवाओ, बड़ा पुण्य मिलेगा आपको भी और जिसका तेल निकालोगे उसको। अब मैंने तो बहुत तेल वालों को देखा, वो फोकट में तेल निकालते, पैसे भी नहीं लेते। मैं पूछा भाई तुम्हारा खर्च कैसे निकलता, वो कहते जो तेल निकालते हैं ना उसमें तेल तो दे देते, खली रख लेते हैं, उसको बेच के पैसा निकल आता। कितना बढ़िया, कभी रोग नहीं आएगा। दूसरा नियम आयुर्वेद का है कि देशी गाय का घी खाओ तो पित्त का रोग कभी नहीं आएगा जिंदगी। देशी गाय का घी,
पित्त का रोग नहीं आया। अब देशी और विदेशी दो गाय हैं, आप सभी जानते हो। विदेशी गाय माने जर्सी गाय, होलिस्टियन, फ्रीजियन, इसका घी मत खाना, दूध भी मत पीना, बहुत खराब है। घी खाना तो देशी गाय। देशी गाय माने जिस गाय के शरीर में पीठ पे ऐसे कंधा निकला रहता है ना, वो देशी। और जितना ऊंचा कंधा उतनी अच्छी गाय। इसे खाओ, भरपेट खाओ, कोई दिक्कत। आयुर्वेद में तो कहा गया है कि ये दूध को दही बना के उसको मथानी चला के जो मक्खन निकलता है ना, ये सबसे अच्छी वस्तु है खाने की, मक्खन। आयुर्वेद में कहा गया है कि घी को पचने में 4 घंटे लगते हैं, मक्खन पचने में 40 मिनट ही लगते हैं। सबसे जल्दी हजम होता है, इसलिए भगवान कृष्ण मक्खन ही खाते हैं। और खूब खाते थे, पेट भर के खाते। कभी सुना हार्ट अटैक आया हो, या कार्डियक अरेस्ट हुआ, या ब्रेन हेमरेज हुआ? क्यों नहीं आया श्री कृष्ण को हार्ट अटैक, जबकि मक्खन पे मक्खन खाते थे, पेट भर के खाते थे? इस पर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला, श्री कृष्ण मक्खन अकेला नहीं खाते थे, मिश्री के साथ मक्खन खाते थे। मिश्री और मक्खन की जबरदस्त दोस्ती है। और ये दोस्ती पता है कैसी है? जो चीज मक्खन में नहीं है वो मिश्री में है, और जो मिश्री में नहीं है वो मक्खन में है, और दोनों मिलाओ तो पूरा भोजन है। और श्री कृष्ण ने वो मक्खन खाया मिश्री के साथ, तो मारा कंस, मारा जरासंध, खुद नहीं मरे, मार दिया दूसरों। हमारे बच्चे भी खाए ना मक्खन और मिश्री, तो आज के कंसों को मारेंगे फिर ये आने वाले समय। तो बच्चों को खिलाओ माखन और मिश्री, बिल्कुल चिंता मत करो, खूब पेट भर के मक्खन खाइए। किस तरह का मक्खन? जो मैंने तरीका बताया, दूध को गर्म करना, गर्म करके दही बनाना, दही बना के उसमें वो रई चला के, मथानी चला के जो मक्खन निकलेगा वो खाओ, नहीं तो गर्म करके घी बना के खाओ। जिंदगी में पित्त कभी भी खराब नहीं होगा। पित्त खराब नहीं होगा तो 40 रोगों से बचोगे, 40। और तीसरा नियम है आयुर्वेद का, वो ये कि चीनी कभी मत खाओ, कफ का कोई रोग नहीं आएगा। चीनी, चीनी माने शुगर, चीनी छोड़ दो तो कफ की बीमारी नहीं आएगी। कफ की बीमारी जानते हैं क्या क्या है? सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, नाक में से खून आना, गले में टॉन। कफ की सबसे खराब बीमारी है मोटापा। तो अगर कफ से बचना है तो चीनी मत खाओ। चीनी छोड़ते ही कफ की बीमारी खत्म हो जाएगी आप। तो फिर क्या खाएं? गुड़ खाओ, गुड़, गुड़ खाओ। गुड़ सबसे अच्छी चीज है, और गुड़ से भी अच्छी एक चीज है मिश्री खाओ, जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था। मिश्री को देखा ना, गोल गोल जैसी बॉल जैसी आती है, वो शुद्ध है। जो बारीक दाने है ना, वो तो शक्कर से बनी है, वो मत खाना। और एक बूरा आता है, बूरा, बूरा समझते हैं राजस्थान वाले समझते हैं, बूरा पीला पीला खांड से बनता है। तो बूरा खाओ, मिश्री खाओ, गुड़ खाओ। और अगर खा सकते हो, मैं माफी मांग के कह रहा हूं, शहद खाओ अगर खा सकते हो। शहद नहीं खा सकते कोई चिंता नहीं, गुड़ खाओ, बाजार में गुड़ उपलब्ध है। और गुड़ जब लाना तो एक चीज देखना बस, कि उसका रंग कैसा है। अगर ज्यादा सफेद रंग का गुड़ है तो मत लेना, वो निर्मा वॉशिंग पाउडर से बनता है। तो कौन सा गुड़ लें? काला काला, गहरे लाल रंग का, काले रंग का जो गुड़ है, जो देखने में खराब है वो खाने में अच्छा है, वो गुड़। गुड़ और चीनी का अंतर बताता हूं। आप आधा किलो खाना खा लो, आधा किलो दाल चावल रोटी सब्जी सलाद सब मिला के आधा किलो, आधा किलो खाने के ऊपर छोटा सा गुड़ खाओ,
एक ग्राम बस। तो ये एक ग्राम गुड़ आधा किलो खाने को चार घंटे में हजम करा देता है। एक ग्राम गुड़ चार घंटे में, आधा किलो खाना पूरा हजम हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। अब इसका उल्टा सुनाता हूं, आधा किलो खाना खाओ और ऊपर से आधी चम्मच चीनी खा लो, तो ये आधी चम्मच चीनी, आधा किलो खाना पूरा हजम हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। अब इसका उल्टा सुनाता हूं, आधा किलो खाना खाओ और ऊपर से आधी चम्मच चीनी खा लो, तो ये आधी चम्मच चीनी, खाना नहीं पचेगा तो खाना सड़ेगा और सड़ा हुआ खाना 103 बीमारियां पैदा करेगा। सड़े हुए खाने में से विष बनेगा और वो विष जिंदगी भर तकलीफ करेगा। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया, खाना खाते ही पानी नहीं पीना। कब पीना? कम से कम 1.5 घंटे के बाद। क्यों? क्योंकि 1.5 घंटे तक अग्नि जलती है, 1.5 घंटे के बाद वो अपने आप शांत हो जाती है। जब अग्नि शांत हो तभी पानी पीना चाहिए। पता कैसे चलेगा? खाना खाते समय ध्यान रखो, 10 बजे खाना खाया 11:30 पे पानी पीना, 11 बजे खाया 12:30 पे पानी पीना। सरल नियम, आप इसका पालन करो तो वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहेंगे। दूसरा नियम है, पानी कभी भी पीना हो तो घूट घूट भर के पीना, सिप सिप करके पानी पीना। एक घूट पानी पिया, थोड़ी देर रखा, फिर एक घूट पिया, फिर रखा, फिर एक ऐसे पानी पिया, लगातार गटागट गटागट पानी नहीं पीना। क्यों? कारण उसका यह है कि मुंह में लार बनती है और ये लार जो है ना, एक एक घूट पानी पियो तो ज्यादा अंदर जाती है, क्योंकि हर बार पानी के घूट के साथ अंदर जाएगी। लार जो है ना क्षारीय होती है, अंग्रेजी में केमिस्ट्री में कहते हैं एल्केलाइन, और पेट में हमेशा अम्ल बनता है, एसिड। एसिड और क्षार, अम्ल और क्षार एक दूसरे के दुश्मन है। अम्ल में क्षार मिले या क्षार में अम्ल मिले, दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। तो मुंह की लार पानी के साथ मिलकर पेट के अम्ल में मिले तो पेट के अम्ल को शांत कर देती है, और जिनके पेट का अम्ल शांत रहता है उनकी जिंदगी में रोग आ ही नहीं सकता। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया, पानी घूट घूट के, सिप सिप करके पानी पीने की आदत डालो, जैसे गर्म दूध पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ऐसे पानी पीने की आदत डालो। तीसरा नियम है वो ये कि सवेरे सोकर उठो तो सबसे पहले पानी पियो, उठते ही मुंह नहीं धोना, कुल्ला नहीं करना, ब्रश नहीं करना, पानी पियो, बासी मुंह पानी पियो। क्यों? रात भर की जो लार मुंह में आई ये बहुत कीमती है, पानी पीते ही अंदर जाएगी, और सवेरे पेट में सबसे ज्यादा अम्ल बनता है, तो सुबह पानी पियोगे तो सारी लार अम्ल को जाके शांत करेगी, जिंदगी भर निरोगी रहेंगे। इसलिए सुबह उठते ही पानी पियो। आप में से बहुत सारे भाई बहन होंगे जो जैन परिवार के हैं, तो जैन आचार्यों से मैंने बार बार ये सुना है कि सुबह थूकना नहीं चाहिए, पाप पड़ता है। तो बहुत दिन मेरे समझ में नहीं आया ये मामला क्या है, सुबह थूको तो पाप पड़ता है। तो एक बार मैंने थूक के देखा, तो मैंने देखा कि मेरा जब थूक गिरा तो उसके नीचे सब चींटी मर गई। तब मैंने बासी थूक मेरा एक दिन टेस्ट किया तो पता चला वो हाईली एल्केलाइन है, बहुत ज्यादा क्षार है उसे सुबह के थूक में, और ज्यादा क्षारीय कोई चीज कीड़े मकोड़ों पर गिराओ तो मर जाएंगे। जैसे यूरिया है ना, बहुत क्षारीय होता है, यूरिया के 2-4 दाने डालो सब चींटियां मर जाती। थूक भी बहुत जहर है अगर क्षार उसमें ज्यादा है तो, और सुबह क्षार ज्यादा, इसलिए सुबह थूकना नहीं, उसको पीना।
तो इसको हमने धर्म से जोड़ा कि सुबह थूको तो पाप पड़ता है, हिंसा होती है, वास्तव में वो शरीर के लिए आवश्यक है सुबह का थूक। और ये जो सुबह का थूक होता है, ये जो सुबह का थूक होता है इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है, माने इसकी दवा के गुण बहुत है। जैसे मैं आपको दो चार उदाहरण दूं, आपकी आंखों के नीचे काला काला हो जाए, डार्क सर्कल, सुबह का थूक निकालो, आंखों के नीचे लगाओ, एकदम साफ हो जाए। चेहरे में कील मुहासे हो जाए, सुबह का थूक निकालो, मुहासों पे लगाओ, मुहासे साफ हो जाए। पैर में कहीं चोट लग जाए, हाथ में कहीं चोट लग जाए, सुबह का थूक उस चोट पे लगाओ, चोट सूख जाती है। हाथ पैर में बच्चों के फोड़े फुंसी हो जाए, सुबह का थूक लगा दो, फोड़े फुंसी ठीक हो जाते। मैंने देखा जले हुए का दाग सुबह के थूक से आप मिटा सकते हो, इतनी ताकत है इसमें। आंखों में चश्मा चढ़ा हुआ है, सुबह का थूक आंख में लगाओ, काजल की तरह से चश्मा उतर जाएगा, इतनी जोरदार है। आपके शरीर में कैसे भी दाग धब्बे हो, सुबह का थूक उस पे लगाना शुरू कर दो, सब दाग धब्बे मिट जाए। और आप करके देख लो, सुबह का थूक पूरे चेहरे पे लगाओ, चेहरे का रंग लगातार निखरता जाता है। जो काम फेयर एंड लवली नहीं कर सकती, वो सुबह का थूक गारंटी से करता है। करके देख लो, मैंने किया, बहुत लोगों को बताया, और मैंने तो इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक बहुत खराब रोग होता है जिसको गैंग्रीन कहते हैं, गैंग्रीन, ये डायबिटीज के लोगों में कहीं घाव हो जाए तो गैंग्रीन आता है, फिर काटना पड़ता है। मैंने डायबिटीज के मरीजों को गैंग्रीन पर सुबह का थूक लगवाया, वो अंग सड़ गया था, वो फिर ठीक हो गया। और थूक उसी का था जिसको डायबिटीज थी, और किसी का नहीं। मैंने इतनी क्वालिटी वाली चीज है, और हम इसको फोकट में थूकते रहते, इतनी कीमती चीज है। अमेरिका में ये जो थूक होता है ना, ये बिकता है। ये जो शैंपू का शैशे होता है ना, वैसे अमेरिका में थूक का शैशे होता है, और वो बिकता है। 10 मिलीग्राम का शैशे 10,000 रुपए। आप बोलोगे जी कौन खरीदता है? जो लोगों को कैंसर हो जाता है, और कैंसर की चौथी अवस्था जब आती है तो मुंह में थूक बनना बंद होता है सबसे पहले। तो जब कैंसर हुआ, चौथी अवस्था ही मुंह में थूक बनना बंद, तो ऐसे व्यक्तियों को थूक खरीद कर मुंह में डालना पड़ता है ताकि कुछ खा सके। तो वो मरीज उसको खरीदते हैं, 10,000 रुपए का शीशे आता है। अब आप सोचो कि जो शैशे 10,000 रुपए का आता है, वो शैशे हम 5 मिलीग्राम का 10,000 में अमेरिका में खरीदते हैं, और यहां फोकट में थूकते हैं सुबह ही सुबह। तो ये फोकट की चीज नहीं, इसको थूको मत, इसको पियो। पीने का तरीका, उठते ही पानी पी लो, सब अंदर चला जाएगा। और दो फायदे होंगे इसके, एक तो थूक अंदर गया तो अंदर का अम्ल शांत हुआ, दूसरा फायदा ये होगा कि सुबह सुबह जब आप पियोगे पानी, तो पानी बड़ी आंत को साफ करेगा, बड़ी आंत की सफाई होगी, तो टॉयलेट में जाएंगे 2-3 मिनट में फ्रेश होके बाहर आएंगे। और जो लोग सुबह सुबह फ्रेश हो जाते हैं उनकी जिंदगी फ्रेश रहती है। इसलिए उठते ही पानी पीना, कितना? 3 गिलास कम से, छोटे बच्चों को 1 गिलास, बड़े लोगों को 3 गिलास। पीने का तरीका सिप सिप करके, जब भी पानी पिएंगे सिप सिप पिए, 3 नियम। चौथा और आखिरी नियम आयुर्वेद का, जिंदगी में कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना, ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, फ्रिज वाटर, आइस वाटर नहीं पीना, बर्फ डाला हुआ पानी, फ्रिज में रखा हुआ पानी, ये नहीं पीना। क्यों नहीं?
पिए। बात सीधी सी है कि पेट है गर्म, पानी है ठंडा। अब गर्म पेट में ठंडा पानी डालो तो झगड़ा होने वाला है। झगड़ा क्या होगा, या तो पानी पेट को ठंडा करेगा या पेट पानी को गर्म करेगा। मान लो पानी ने पेट ठंडा कर दिया, पेट के ठंडा होते ही हृदय ठंडा, हृदय ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा, मस्तिष्क ठंडा होते ही आप ठंडे, और आप ठंडे तो राम नाम सत्य। इसलिए आयुर्वेद कहता है ठंडा पानी नहीं पीना। तो आप पूछोगे मिट्टी के घड़े का पी सकते हैं? हाँ, मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा नहीं है। क्यों? मिट्टी के घड़े के पानी का तापमान शरीर के तापमान के लगभग बराबर है। शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मिट्टी के घड़े का पानी का तापमान है 33 डिग्री 32 डिग्री, तो दोनों बराबर हैं। इसलिए मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते, बर्फ का पानी नहीं पी सकते, फ्रिज का पानी नहीं पी सकते। और अगर आप नहीं मानेंगे मेरी इस बात को, तो जिंदगी भर के लिए तैयार रहिए, 148 रोग आपके जीवन में आएंगे अगर फ्रिज का पानी आप पिएंगे। सबसे पहले मुश्किल पता है क्या आती है, जो लोग बार बार फ्रिज का पानी पीते हैं उनकी जो बड़ी आंत है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, वो बंद हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे खुली रहनी चाहिए, बार बार फ्रिज का पानी पियो ये बंद हो जाती है। और लार्ज इंटेस्टाइन अगर बंद हुई बड़ी आंत, तो पेट साफ नहीं होगा, और पेट अगर साफ नहीं हुआ तो 148 रोग जिंदगी भर आने ही है पक्का। इसलिए ठंडा पानी मत पीजिए, फ्रिज का पानी मत पीजिए। तो ठंडा पानी बंद करिए, मिट्टी के घड़े का पानी, और सर्दियों में तो गुनगुना पानी, हल्का गर्म पानी। और इससे पहले का नियम, पानी सवेरे सवेरे उठकर सबसे पहले पीना। इसके पहले का नियम, पानी घूट घूट पीना। और सबसे पहला नियम, खाने के 1.5 घंटे बाद पानी। तो ये 4 नियम और 3 बातें जो पहले बताई, शुद्ध तेल, देशी गाय का घी और चीनी बंद, इन 7 नियमों का जो पालन करेगा, जिंदगी भर कोई बीमारी नहीं आएगी। मैंने इन 7 नियमों का पालन अपने जीवन भर किया है। एक नियम में थोड़ी बहुत घटबड़ होती है, मैं चीनी खाना पसंद नहीं करता, लेकिन कई लोग जबरदस्ती खिला देते हैं, वहां थोड़ी गलती हो जाती है मुझसे। बाकी सब 6 नियम तो कट्टरता से मैं पालन करता हूँ, और वही कारण है कि मेरा वात, मेरा पित्त, मेरा कफ तीनों संतुलित है। हर दिन में 6 से 8 घंटे बोलता हूँ, फिर भी वात का प्रकोप नहीं होता। आपको मालूम है बोलने में सबसे ज्यादा वात बिगड़ता है। 1/2 घंटे बोल के देख लो, पता चल जाएगा आपको, मैं 6-6 घंटे बोलता हूँ। और हर दिन मेरा खाना बदलता है, पानी बदलता है, तो भी पेट को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि पित्त मेरा बराबर काम करता है। मैं अभी यहाँ हूँ तमिलनाडु में, यहाँ आने से पहले मैं महाराष्ट्र में था, वहाँ आने के पहले मध्य प्रदेश में था। हर जगह का खाना अलग, पानी अलग, कोई तकलीफ नहीं होती। कोई कफ भी बराबर है, पित्त भी ठीक है, वात भी ठीक है, इसलिए बीमारी नहीं आती है। और इसका कारण है ये नियम, आप भी इन नियमों का पालन करोगे आपको भी बीमारी नहीं आएगी। तो सबसे आसान तरीका है निरोगी रहना, स्वस्थ रहना, बीमार नहीं पड़ना। और दूसरा और आखिरी तरीका है कि जो गलती से कभी कोई रोग आ जाए, तो हमने तो कोशिश की पूरी ईमानदारी से, फिर भी कभी कोई रोग आ गया, मान लो वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, रोग आ गया, तो चिंता मत करो। रोग आ जाए तो भी चिंता मत करो, क्योंकि हर रोग की दवा अपने रसोई घर में है। ये डॉक्टर के चक्कर में मत पड़ो, रसोई घर में सब दवाएं हैं। आप बोलोगे जी क्या रोग की दवा, हर रोग की दवा रसोई में, ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवा रसोई में नहीं। अपनी रसोई को ध्यान से आप देखो तो 108 दवाएं हैं रसोई में। धनिया है, जीरा है, हल्दी है, काली मिर्च है,
लौंग है, बड़ी सौंफ है, छोटी सौंफ है, दालचीनी है, ऐसे 108 हर एक रसोई में औषधियां हैं और इन औषधियों से सब बीमारियां ठीक हो सके, एक भी बीमारी ऐसी नहीं जो ना ठीक। अब मैं बताता हूँ कुछ महत्व की बीमारियां जो आपको बहुत तकलीफ देती। सबसे पहले आ जाए ब्लड प्रेशर हाई है तो रसोई घर में सबसे अच्छी दवा है मेथी का दाना। हाई बीपी के लिए मेथी का दाना सबसे अच्छी दवा, और शुगर के लिए सबसे अच्छी दवा मेथी का दाना। अगर शुगर भी है तो मेथी का दाना सबसे अच्छा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो मेथी का दाना सबसे अच्छा। ट्राइग्लिसराइड बढ़े हैं तो मेथी का दाना सबसे अच्छा। हार्ट में ब्लॉकेज है तो मेथी का दाना सबसे अच्छा। ब्रेन हेमरेज हो के चुका है तो मेथी का दाना सबसे अच्छा। ये अकेला मेथी का दाना 70 बीमारियों में काम आता है, इतनी अच्छी दवा। कैसे खाएं मेथी का दाना? खाने का तरीका है, आधा चम्मच मेथी का दाना एक गिलास पानी में रात को डाल दो, रात भर पानी को रखो, सवेरे उठ के पानी को पी लो, मेथी दाने को चबा के खा लो। ये तरीका सबसे अच्छा। मेथी के दाने को आप कभी मत भूलो, बहुत अद्भुत है ये। अच्छी से अच्छी, खराब से खराब बीमारी दोनों में ही काम है। जैसे घुटने का दर्द है, मेथी का दाना बहुत अच्छा। कमर का दर्द है, मेथी का दाना बहुत अच्छा। कंधे का दर्द है, मेथी का दाना बहुत अच्छा। जोड़ों का दर्द है, मेथी का दाना बहुत अच्छा। सिर में दर्द है, मेथी का दाना बहुत अच्छा। आधे सिर में दर्द है, माइग्रेन, मेथी का दाना बहुत अच्छा। बहुत अद्भुत है मेथी का दाना। वात में और कफ में, वात में 80 बीमारियां, कफ में 20 बीमारियां बड़े आराम से ठीक होती है मेथी के दाने। मुझे बहुत बार ये समझ में आता है कि हमारे बुजुर्गों ने मेथी के दाने को हर अचार में क्यों डलवाया, क्योंकि ये सबसे अच्छी दवा है। इसलिए बिना मेथी दाने के अचार नहीं बनता, और जिस अचार में मेथी दाना पड़ गया वो अचार नहीं रहता, वो दवा है। कान में दर्द होता है, मेथी का दाना खिलाओ, कान का दर्द ठीक करेगा। आंखों में तकलीफ है, मेथी का दाना खिलाओ, आंखों की तकलीफ। मैंने बताया ना, 70 से 100 बीमारियों में अद्भुत काम होता है। और एक बहुत बढ़िया नुस्खा बताता हूँ सभी माताओं बहनों को भाइयों, जब बहुत गले में आवाज बैठ जाए, गला घर घर करे, आवाज बैठ गई हो, कारण कुछ भी हो, ठंड लग गई तो आवाज बैठ सकती है, ज्यादा बोल बोल किया तो आवाज बैठ सकती है, आवाज बैठने के बीसियों कारण हो सकते हैं, कारण कुछ भी रहने दो, अगर आवाज बैठ गई तो मेथी का दाना पानी में डाल के उबालो, खूब अच्छे से उबालो, और उसमें थोड़ा सेंधा नमक डालो। उबलते हुए मेथी दाने के पानी में सेंधा नमक डालो, उतार लो, फिर इसको थोड़ा ठंडा हो जाए गले में पी सके, इतना ठंडा हो जाए तो इस पानी से, मेथी के दाने का पानी और सेंधा नमक मिलाया हुआ, इससे गरारा करो। गरारा समझते, गार्गलिंग। आप एक गार्गलिंग करना, एक बार डाल के ऐसे एक ही बार में गला खोल दे, एक ही बार। 20-20 दिन आप एंटीबायोटिक खाओ, गला ठीक नहीं होता, और मेथी दाने का पानी सेंधा नमक डाल के एक गरारा करो, सारा गला क्लियर। और जिनको टॉन्सिल की तकलीफ है वो तो जरूर ये काम करें, मेथी दाने का पानी, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ी हल्दी, इसको डाल के गरारा जो लोग कर ले, जिंदगी भर के लिए टॉन्सिल की तकलीफ खत्म, जिंदगी भर। अद्भुत है ये मेथी का दाना, इसका ध्यान रखो आप। ऐसे ही अपने घर में बहुत अच्छी दवा है दालचीनी। दालचीनी शहद के साथ, शहद नहीं ले सकते तो गुड़ के साथ। अकेली दालचीनी वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रखती है। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द, मोटापा हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया,
कार्डियक अरेस्ट हो गया, ऐसी सब बीमारियों में दालचीनी आती है। बार बार बुखार आता है, बार बार सर्दी होती है, बार बार जुकाम होता है, बार बार गला बैठता है, इन सब बीमारियों में दालचीनी आती है। ऐसे ही अपने घर में बहुत अच्छी दवा है हल्दी, कफ और वात की सबसे अच्छी दवा। हल्दी का तो आप सभी जानते हैं, दूध में डाल के गर्म करके पीना सबसे अद्भुत। हल्दी अकेली दवा है जो कैंसर ठीक करती है, पूरी दुनिया में एक ही दवा कैंसर की, उसका नाम है हल्दी। एलोपैथी में कैंसर का इलाज करने के लिए जो ट्रीटमेंट देते हैं ना, उसमें केमिकल है कर्क्यूमिन, वो बॉडी में सप्लाई करते हैं इंजेक्शन से। ये कर्क्यूमिन सबसे ज्यादा हल्दी से ही निकलता और कहीं मिलता ही नहीं पूरी दुनिया, इसलिए कैंसर रोगियों के लिए तो हल्दी रामबाण है। और आयुर्वेद में कहा गया है कि जो नियमित हल्दी खाते रहे कैंसर होने की शक्यता नहीं। ऐसे अपने घर में बहुत दवाएं हैं, लवंग है, लौंग अद्भुत है वात के लिए, कफ के लिए अद्भुत है उसके लिए, काली मिर्च है। इसी तरह से अपने घर में दूधी है माने लौकी है, लौकी का रस हृदय की सबसे अच्छी दवा है। कितना भी बड़ा ब्लॉकेज हो हर्ट में, दूधी का रस पियो, लौकी का रस पियो। सोरेकाई लौकी दूधी सब एक ही नाम है। इसका रस निकालने का तरीका बस ध्यान रखना है, छिलका नहीं उतारना। छिलका उतार दिया तो देखा, छिलके सहित रस निकालना। और रस निकालने के बाद जो कचरा निकलता है वो फेंकना नहीं, खाना। तो कैसे खाएं? रस को छानो मत, कचरा सीधे जाएगा। पानी ज्यादा मिला लो, आसानी से चला जाएगा। अद्भुत है ये लौकी, इसने करोड़ों लोगों के ब्लॉकेज निकाल दिए लौकी ने। और स्वामी रामदेव जी ने बोल बोल के ये महंगी करा दी। पहले 5 रुपए किलो में कोई पूछता नहीं था इसको, अब ये 50 रुपए किलो बिकने लगी है। अपने घर में एक बहुत अच्छी दवा है धनिया पत्ता। थायराइड की कोई भी बीमारी में सबसे अच्छी दवा धनिया पत्ता। धनिया पत्ते को चटनी बनाओ, गर्म पानी में मिला के पियो। थायराइड की 40-40 साल पुरानी बीमारी 25-30 दिन में ही ठीक कर देता धनिया पत्ता। थायराइड, जिनको थायराइड की तकलीफ है सबको आप बताओ धनिया पत्ते की चटनी गर्म पानी में पिए। चटनी कैसे बनाना? पीस लो पत्थर पे, मिक्सी में पीस लो, उसमें नमक मिर्च कुछ नहीं डालना, धनिया पत्ता से। हाँ, और 1 चम्मच चटनी आधा गिलास पानी, 2 चम्मच चटनी 1 गिलास पानी, इतना ही रोज पी लो सुबह खाली पेट। थायराइड की सारी बीमारी, हाइपर थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म और थायराइड से होने वाला मोटापा, ये सब मिटा देता है धनिया पत्ता। ऐसे पुदीने का पत्ता है, पुदीने के पत्ते की चटनी त्वचा के किसी भी रोग में लगाओ, जैसे खाज है, खुजली है, दाद है, सोराइसिस है, इचियोसिस है, एक्जिमा है, सब में पुदीने के पत्ते की चटनी लगाओ, सब बीमारी मिटा देता है। बड़े से बड़ा जले का दाग पुदीने के पत्ते की चटनी से मिट जाता है, अद्भुत है ये। ऐसे ही अपने घर में नीम का पत्ता माने मीठा नीम, मीठा नीम हम समझते हैं कड़ी पत्ता जिसको कहते हैं। ये कड़ी पत्ता बहुत अद्भुत है वात के और कफ के सभी रोगों के लिए। बीपी बढ़ गया, कड़ी पत्ते की चटनी बनाओ, कड़ी पत्ता आप जानते हो, गुनगुने पानी में पियो, बीपी एकदम नॉर्मल कर देता है कड़ी पत्ता। मीठा नीम, कड़ी पत्ता जो सब्जी में डालते हैं हम, बीपी हाई है तो नॉर्मल करता, लो है तो नॉर्मल करता, खून अगर गाढ़ा हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, पतला कर देता। हाँ, कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, ट्राइग्लिसराइड कम करेगा, अद्भुत है कड़ी पत्ता। छाछ में कड़ी पत्ता मिला के पीते रहो, जिंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी बीपी नहीं बढ़ेगा।
छाछ में कड़ी पत्ता मिला के पीते। ये सब अपने घर में है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, मैं सब वही कह रहा हूं जो हजारों साल से अपने घर में होके आई, बस हमारे ध्यान में नहीं है क्योंकि हम डॉक्टर के चक्कर में फंसे। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो, बीमारी से नहीं दवाओं से बचो, बीमारी से नहीं ऑपरेशन आदि से बचो, और ये घर में जो दवाएं हैं इनका उपयोग जल्दी ज्यादा से ज्यादा घरों में ये बात अगर पहुंच जाए तो लाख करोड़ रुपए, 7 लाख करोड़ रुपए देश का बचे। ये है मेरी भावना, तो आप इस भावना का सम्मान करें और अपने जीवन को थोड़ा व्यवस्थित करें, थोड़ा योग प्राणायाम करें, आधे घंटे सुबह प्राणायाम करें, आधे घंटे शाम, और ज्यादा नहीं कर सकते तो 2 प्राणायाम जरूर करें, कपालभाति अनुलोम विलोम। कपालभाति आप जानते हैं, जोर से सांस बाहर निकालना, और अनुलोम विलोम एक नाक से सांस लेना, दूसरे से छोड़ना, दूसरे से लेना पहले। तो ये अनुलोम विलोम कपालभाति 15-15 मिनट सुबह शाम करते रहें, जिंदगी भर निरोगी रहें, कोई तकलीफ नहीं है। ये हमारा अभियान है, हर व्यक्ति सुखी हो, निरोगी हो, स्वस्थ हो, ताकि देश का पैसा बचे। और दूसरा अभियान है हमारा, हमारा देश निरोगी हो। देश को बहुत बीमारियां हैं, सबसे बुरी बीमारी मैंने पहले बताया भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार रूपी बीमारी में हर साल 18 लाख करोड़ रुपए बर्बाद होता है देश का, और बहुत दुख है मुझे कि ये आपके और मेरे खून पसीने की कमाई का पैसा है। अब ये होता क्या है, हम जो टैक्स देते हैं नेता और अधिकारी उसको लूट लेते हैं, और ये लूट कर पैसा विदेशी बैंकों में जमा होता है। अभी थोड़े दिन पहले नेता पकड़ा गया, उसका नाम है मधु कोड़ा, झारखंड में 2 साल मुख्यमंत्री रहा, और 2 साल मुख्यमंत्री रहने में उसने 5,600 करोड़ रुपए लूट लिए 2 ही साल। और झारखंड भारत का सबसे गरीब राज्य है, अब सबसे गरीब राज्य में से कोई 5,600 करोड़ अगर लूट सकता है, तो सबसे अमीर राज्य में जो 10-10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन्होंने कितना लूटा होगा आप अंदाजा लगा सकते। हमने ऐसे मधु कोड़ा जैसे रिश्वत और लूट करने वाले नेताओं की एक लिस्ट बनाई है, उसमें 80,000 नाम, 80,000 लूटने में लगे हैं पूरे देश में। और इसके नीचे जो अधिकारी हैं वो लाखों में हैं, वो भी लूट रहे हैं, लूट कर सारा धन विदेशों में जमा कर रहे हैं। विदेशों में जो धन अब तक इन्होंने लूट कर जमा कर लिया है वो करीब 258 लाख करोड़ रुपए, 258 लाख करोड़। ये इतनी बड़ी रकम है कि आप इसे कैलकुलेटर में नहीं लिख पाए, कैलकुलेटर फेल हो जाता, लेकिन ये इतनी बड़ी रकम है कि ये रकम हमें वापस मिल जाए तो हम 25 पंचवार्षिक योजनाएं इस रकम से बना सकते हैं। एक पंचवार्षिक योजना 5-ईयर प्लान में 10 लाख करोड़ खर्च होता है, हम 25 योजनाएं बना सकते हैं। इस रकम का एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि 258 लाख करोड़ से सोना खरीदे जो सबसे महंगा है इस समय, तो 258 लाख करोड़ का इतना सोना आता है कि भारत के 6,38,365 गांव की एक एक सड़क पर 10 मिलीमीटर मोटा सोने का पतरा बिछा सके, इतनी बड़ी रकम। और ये रकम हमारी लूट कर नेताओं ने विदेशों में जमा की है। तो भारत स्वाभिमान ने एक दूसरा अभियान शुरू किया है, भ्रष्टाचार मिटाओ। तो उसमें क्या करना है, जो लूटा हुआ रकम विदेशों में है इसे वापस लाना है, 258 लाख करोड़। आप बोलोगे ये कैसे आएगा, इसको वापस लाने के 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि ये रकम जो बाहर गई है जिन बैंकों में जमा है उन बैंकों में एक नियम है, जैसे स्विट्जरलैंड की बैंकें हैं, पनामा की बैंकें हैं,
ट्रिनी डॉट की बैंक के हैं, टोबैगो की बैंक के हैं, इन बैंकों में एक नियम है कि जब तक धन किसी की व्यक्ताओं ने जमा कर रखा है, हम चाहते हैं कि कानून से ये धन राष्ट्र की संपत्ति बन जाए तो ये पैसा हमें वापस मिल जाए। आप बोलेंगे कौन करेगा ये काम? ये काम करने की ताकत सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ये चाहे तो 258 लाख करोड़ रुपए को राष्ट्र की संपत्ति बना सकता है। तो इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा किया है और उस मुकदमे की इस समय सुनवाई चल रही है। बहस कर रहे हैं एक बहुत मशहूर वकील राम जेठमलानी, और हमारा मुकदमा स्वीकार हो गया है, सुप्रीम कोर्ट एडमिट हो गया है। 6 महीने से बहस चल रही है। बहस इसी विषय पर चल रही है कि 258 लाख करोड़ रुपए को भारत की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया। अब सरकार थोड़ी परेशान है। नोटिस में ये कहा गया है कि 258 लाख करोड़ किस किस का है ये बताए सरकार सुप्रीम कोर्ट को। तो अब सरकार किसका नाम ले, क्योंकि जिनका पैसा है वही सरकार चला रहे, तो तकलीफ ये है। तो सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि हमको 6 महीने का समय दे दो। सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। फिर 6 महीने बाद वो कहेंगे और 6 महीने का समय दे दो, टाइम पास करना है ना, तो ऐसे ही करते हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट को ये कहने वाले हैं कि बार बार आप उनको 6-6 महीने का समय दो, उससे अच्छा ये है एक लाइन का ऑर्डर पास करो कि ये धन जिसका भी है वो राष्ट्र की संपत्ति है। ऑर्डर करे अगर सुप्रीम कोर्ट तो सारा पैसा वापस आ जाए। ऐसा पहले एक बार हो चुका है, यूरिया घोटाला हुआ था नरसिम्हा राव के जमाने में, तब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, 133 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, पैसे चले गए थे, यूरिया नहीं आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, तो वो पैसे पकड़े गए थे स्विस बैंक में और नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में निकले वो पैसे। तो सुप्रीम कोर्ट ने नरसिम्हा राव के बेटे को तो जेल भेज दिया और पैसे वापस मंगा लिए थे। तो हम सुप्रीम कोर्ट में यही कह रहे हैं कि अगर यूरिया घोटाले के पैसे आ सकते हैं तो चारा घोटाले के भी आ सकते हैं, बोफोर्स घोटाले के आ सकते हैं, एनरॉन घोटाले के आ सकते हैं, घोटाले घोटाले सब एक। और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे दे, हम जीत जाएं तो ये सारा पैसा आ जाए। दूसरा रास्ता है कि संसद में हम एक प्रस्ताव पारित कराना चाहते हैं कि 15 अगस्त 1947 के बाद जितने घोटाले भारत में हुए उन सबका पैसा राष्ट्र की संपत्ति, और संसद इस प्रस्ताव पर बहस करे। बहस के समय हम देखें कौन कौन इसका विरोध कर रहा है। जो विरोध करेगा पक्की बात है पैसे उसी के हैं और खाता उसी का। जिस दिन ये प्रस्ताव संसद में आएगा ना, आप जरूर देखना टीवी पे, और ये देखना आपका सांसद क्या कह रहा है। कोई आपका भी सांसद है ना लोकसभा में, उसकी पोल उसी दिन खुलेगी कि बेईमान है कि ईमानदार। अगर प्रस्ताव का समर्थन करे तो ईमानदार है, ना करे तो बेईमान। तो सारे देश को हम ये बताना चाहते हैं बेईमान कौन, ईमानदार कौन। मान लो बेईमान ज्यादा है संसद में तो हमारा प्रस्ताव गिरेगा, यही होगा ना। तो हमने अगला संकल्प लिया है कि 2014 में जब देश में चुनाव आएगा लोकसभा का, तब हम देश के लोगों से अपील करेंगे कि कई सांसद हमको जिता कर दो जो 258 लाख करोड़ रुपए को वापस लाए। और ये इतनी बड़ी रकम है कि 125 साल तक हम देश को बिना एक पैसा टैक्स लिए चला सकते हैं, ये इतनी बड़ी रकम। तो हम देश के सामने ये मुद्दे को प्रस्तुत करेंगे। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी खुद बोल रहे हैं कि 2014 के चुनाव में वो एक एक क्षेत्र में जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे। हो सकता है कि लोग हमारी अपील पर ध्यान दें और हमें कुछ सांसद मिल जाएं जो चुन कर आए और जो इस काम को कर दें और 258 लाख करोड़ वापस आ जाए। हमें उम्मीद है
कि हमें ऐसे सांसद मिलेंगे, क्योंकि एक बार ऐसी अपील जयप्रकाश नारायण ने की थी 1977 में और उनकी अपील पर 377 सांसद चुनकर आए थे संसद, जबकि जेपी के पास पार्टी नहीं थी, फंड भी नहीं था, फिर भी 377 सांसद जीते थे। और सांसद पहले जीते थे, पार्टी बाद में बनी थी, जनता पार्टी। तो अगर जेपी को भारत के लोग 377 सांसद चुनकर दे सकते हैं तो परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी को क्यों नहीं दे सकते। तो हमारा ये योजना है कि 2014 में हम ये करेंगे, किसी भी तरह से 258 लाख करोड़ रुपए वापस लाना है, तरीका कुछ भी हो। और एक तरीका है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ से भारत ने एक ट्रीटी साइन की है, अगर इस ट्रीटी का पार्लियामेंट में अनुमोदन हो जाए तो भी ये पैसा आ जाए। और चौथा और आखिरी रास्ता है, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अभी कहा कि अगर भारत सरकार चाहे तो ये सारा पैसा मैं दिलवा सकता हूं। क्यों? बराक ओबामा ने अपना पैसा निकाला है स्विस बैंक से, उसका 780 अरब डॉलर उसने निकाला, तो वो कह रहा है मैं भारत का भी दिलवा सकता हूं। तो ये भी एक रास्ता है अपने पास। हम बराक ओबामा से मदद क्यों नहीं ले सकते? 20 कामों में हम उससे मदद मांग रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारने के लिए हम बराक ओबामा से मदद मांग रहे हैं, तो 258 लाख करोड़ लाने के लिए क्यों नहीं मदद ले सकते? तो रास्ते तो अपने पास हैं। और एक आखिरी रास्ता है, पांचवा, वो रास्ता ये है कि 15 अगस्त 1947 से आज तक जितनी करेंसी छपी है देश में, इस पूरी करेंसी को वापस ले लो। 15 अगस्त 1947 को जो पहला नोट छपा उसका नंबर हमारे पास है, और 2014 में आखिरी नोट जो छपेगा वो नंबर भी है। इसके बीच की पूरी करेंसी हम विड्रॉ करते हैं 6 महीने में, तो सारा धन विदेशों से अपने आप वापस आ जाए। कुछ करना नहीं, जिसका पैसा वो झक मार के खुद लेके आएगा। क्यों? 6 महीने के बाद ये नोट कागज का टुकड़ा हो जाएगा, बात खत्म। तो सारे पैसे आ गए 258 लाख करोड़। फिर हम क्या कर सकते हैं? नई करेंसी प्रिंट करके उतने ही वैल्यू की मार्केट में डाल सकते हैं, सारा ब्लैक मनी जीरो हो जाएगा। ये पांचवा रास्ता। और इस रास्ते में पहला कदम हम ये उठा सकते हैं कि 1000 का नोट, 500 का नोट और 100 का नोट, इसको पहले रिकॉल कर लो। 50 तक के नोट चलने दो, 1000, 500, 100 के रिकॉल कर लो, क्योंकि रिश्वत और घूसखोरी 1000, 500 और 100 में ही होती है, 50 रुपए की रिश्वत नहीं है। तो ये पांचवा रास्ता है। ऐसे रास्ते हैं पैसे लाने के, हमें ये लाना है, और लाने के बाद इस 258 लाख करोड़ रुपए को देश के विकास में लगाना है। और विकास में दो योजनाएं हमने बनाई हैं, एक गांव के लिए, एक शहर के लिए। गांव की योजना ये है कि 50 लाख करोड़ रुपए हम खर्च करें तो हर गांव में पीने का पानी, चलने के लिए सड़क, दवा के लिए हॉस्पिटल, डॉक्टर, शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज, और रोजगार के लिए हर गांव में 100-100 उद्योग, ये हो सकता है 50 लाख करोड़ में, 6,38,365 गांव। और ये काम करके सब गांव हमारे सुखी और स्वावलंबी हो जाए तो 208 लाख करोड़ बचेगा। वो बची हुई रकम को फिक्स डिपॉजिट में रख दे तो साल का ब्याज 20 लाख करोड़ आएगा, उस ब्याज से शहरों का विकास कर ले, और 5 साल में हमें 100 लाख करोड़ मिल जाएगा, सभी शहरों का विकास हो जाएगा। 6 साल के बाद पता नहीं चलेगा कि करें क्या अब इस रकम का, क्योंकि 20 लाख करोड़ तो हर साल आएगा। तो फिर हमने सोचा कि वो 20 लाख करोड़ का जो योजना है वो ये कि अपने जो पड़ोसी देश हैं गरीब, इनकी गरीबी दूर करेंगे। 70 देशों की हमने सूची बनाई है, 2 देश उसमें नहीं है, पाकिस्तान और चीन, इन 2 देशों को छोड़कर 70 देशों की मदद करेंगे, उनकी गरीबी मिटेगी, फिर उनसे हमारी दोस्ती हो जाएगी। उन 70 देशों की दोस्ती की ताकत पर चीन के साथ पुराना हिसाब चुकाएंगे,
देश की 72,000 वर्ग मील जमीन चीन ने दबा रखी है 1962 से, ये वापस ले ली। नेहरू जी की गलती से ये जमीन गई थी, अब वो गलती सुधार के वापस ले रहे। चीन कैसे वापस देगा इस जमीन को? तिब्बत का सवाल उठाएंगे तो चीन वापस देगा जमीन, तिब्बत को आजाद करेंगे 70 देश मिलके। और तिब्बत जैसे ही आजाद हुआ 72,000 वर्ग मील जमीन हमारी वापस आई। और एक बार हम ये कर पाए तो 1962 के शहीदों की आत्मा को शांति मिलेगी जो लड़ते लड़ते मारे गए इस जमीन को बचाने। फिर दूसरा, हमें पुराना हिसाब चुकाना है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने बहुत तकलीफ दी है हमको, आतंकवादियों के अड्डे जहां जहां चल रहे हैं इनको तो ध्वस्त करना ही है 70 देशों की मदद से। और चीन पाकिस्तान को अगर हमने संतुलित कर लिया तो दुनिया भर के देशों में हमारी इज्जत और हमारी हैसियत दोनों बढ़ेगी। अभी दुनिया के देश ये मानते हैं कि भारत करता कुछ नहीं है, बस बोलता है, फिर हम करेंगे, बोलेंगे नहीं, ताकि दुनिया देखे कि हम करते भी। और एक काम करना है, 70 देश जो हमारे साथ आए तो इनकी मदद से अंग्रेजों के खिलाफ एक मुकदमा लड़ना है अंतर्राष्ट्रीय अदालत में। अंग्रेजों ने 250 साल हमारे देश में से जो पैसा लूटा वो वापस लाना है ब्याज सहित, और इसके लिए मुकदमा लड़ना है। और उस मुकदमे की तैयारी हम कर रहे हैं, और उसकी तैयारी के लिए 50,000 डॉक्यूमेंट्स हमने इकट्ठे किए अंग्रेजों की लूट के जो उन्होंने भारत में की 1757 से लेकर 1947 तक। और वो दस्तावेज सारे लंदन से हमने इकट्ठे किए हैं हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी से, और वो सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको अंग्रेज भी झुठला नहीं सकते। और जिन जिन वकीलों से हमने बात की वो कहते हैं कि मुकदमा हम ही जीतेंगे क्योंकि सबूत हमारे पास है। और कई वकील तो ये कह रहे हैं कि खाली मुकदमा पेश करने की देर है अंतर्राष्ट्रीय अदालत में, 3 महीने में फैसला हमारे पक्ष में आए। तो ये भी करना है, और ये काम अगर हम कर पाए तो इंग्लैंड से हमें 450,000,000,000 रुपए मिलेगा ब्याज सहित। और ये 450,000,000,000 को हम सोने के रूप में लाके अगर रिजर्व बैंक में रख दें तो देश के रुपए की कीमत 50 गुनी बढ़ जाएगी। अभी $1.50 है, फिर $1.01 हो जाएगा। और डॉलर और रुपया अगर बराबर हुआ तो जो निर्यात हम कर रहे हैं इस समय 8,00,000 करोड़ का, वो निर्यात हो जाएगा 400,00,000 करोड़। और जो आयात कर रहे हैं वो घट जाएगा 50 गुना, निर्यात बढ़ जाएगा 50 गुना, तो ट्रेड सरप्लस होगा। और ट्रेड सरप्लस हमारा अगर 400,00,000 करोड़ का है तो ये चीन से भी ज्यादा है और अमेरिका से भी ज्यादा है, हम चीन और अमेरिका दोनों से आगे निकल जाएंगे। और अगर रुपया डॉलर बराबर हुआ तो एक बड़ी क्रांति आएगी कि जो भारतवासी अमेरिका में हैं ये सब वापस लौट के आ जाएंगे। 4 करोड़ भारतवासी इस समय विदेशों में हैं, ये इसलिए गए हैं कि $1 में 50 रुपए, जब $1 रुपया हो जाएगा ये वापस आ जाएंगे। ये वापस आएंगे तो इनका जो ब्रेन है वो देश के काम में आएगा। और इनका ब्रेन कितना है, अमेरिका की सबसे बड़ी संस्था नासा, उसमें 36% वैज्ञानिक भारत के। अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें 53% इंजीनियर भारत के। अगर ये सब वापस आ गए तो हम तो नासा जैसी 100 संस्थाएं बनाएंगे, MIT जैसी 200 यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और इतनी अच्छी संस्थाएं जब भारत में होंगी तो सारे दुनिया के लोग भारत में पढ़ने आएंगे। अभी उल्टा है, हम अमेरिका जाते हैं फिर वो आएंगे यहाँ पर। और अगर दुनिया के लोग भारत में पढ़ने आए तो वो पुराना जमाना लौटेगा, तक्षशिला और नालंदा दो बड़े विश्वविद्यालय थे, हजारों विदेशी पढ़ने आते थे, भारत उस समय सोने की चिड़िया था, फिर भारत सोने का शेर बनेगा।
अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, अब सोने का शेर बना। क्योंकि चिड़िया था इसलिए लूट लिया विदेशियों ने, शेर होता तो कोई हाथ लगा के देखता, तो फिर सोने का शेर बनेगा। दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़ने आएंगे, भारत में काम करने के लिए आएंगे, भारत के लिए सारी दुनिया गर्व से सलाम करेगी, सिर झुकाएगी और भारत फिर विश्वगुरु बन जाएगा। ऐसा भारत बनाने का हमारा सपना है। इस सपने में भारत स्वाभिमान एक साधन की तरह से हमने बनाया। भारत स्वाभिमान साधन है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो भारत बनाना है, भारत स्वाभिमान उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन के जैसा है, टेक्निक के जैसा है। अब आप इसमें थोड़ी हमारी मदद करें तो ये काम होगा। मदद क्या, हमें 5 करोड़ लोग मेंबर बनाने हैं, ये काम पूरा करने का। और 5 करोड़ में से आप एक एक मेंबर हो सकते हैं। आप एक मेंबर बने, फिर 10 को और कहें, 10 और मेंबर बनाएं, फिर वो 10 को कहें, तो 5 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो, तो 50 करोड़ तक हमारी बात पहुंचे, तो संसद में 400 सांसद इस विचार के अपने आप पहुंच जाएंगे। संकल्प करता है तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। एक सन्यासी हुए समर्थ गुरु रामदास महाराष्ट्र में, उन्होंने एक संकल्प लिया था औरंगजेब का शासन खत्म करना। अब समर्थ गुरु रामदास के संकल्प को भगवान ने पूरा कराने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को पैदा किया इस देश में। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी उम्र के 17वें साल में समर्थ गुरु का सपना पूरा किया, औरंगजेब का साम्राज्य पूरे दक्षिण भारत से खत्म कर दिया। और बाद में तो औरंगजेब उत्तर भारत से भी खत्म हो गया और 1707 में मर गया और मुगल शासन का अंत हो गया। तो सन्यासी का सपना ऐसा हो गया। एक सन्यासी थे स्वामी रामतीर्थ, उन्होंने संकल्प लिया था हैदराबाद की रियासत को भारत में मिलाना। हैदराबाद का जो निजाम था वो बार बार बोलता था कि मुझे पाकिस्तान जाना। स्वामी रामतीर्थ कहते थे कि पाकिस्तान निजाम जाए, रियासत भारत में रहे। और वो संकल्प पूरा किया भगवान ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस देश में भेजा और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, जब सन्यासी ने संकल्प किया तो भगवान ने संकल्प पूरा किया। अभी स्वामी रामदेव जी एक सन्यासी हैं, उन्होंने संकल्प कर लिया 258 लाख करोड़ रुपए वापस लाना, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना देश को, बीमारियों से मुक्त बनाना, बुराइयों से मुक्त बनाना, देश को सुखी समृद्धशाली शक्तिवान बनाना। तो भगवान फिर ये संकल्प करा रहा है पूरा। मेरे जैसे आपके जैसे 2,40,000 कार्यकर्ता तो आ गए हैं, 11 लाख और आने वाले हैं, काम तो होने ही वाला है। आप मदद करेंगे तो श्रेय आपको मिलेगा, नहीं तो किसी दूसरे को मिलेगा। इसलिए मेरी विनती है कि आप इस काम में जरूर आगे आएं, मदद करें। आप अपने समाज की तरफ से मदद कर सकते हैं, व्यक्ति के रूप में भी मदद कर सकते हैं। अब क्या करें इसके लिए, हमने एक फॉर्म बनाया है मेंबर के लिए, आप वो ले जाइए, स्टॉल पे रखा हुआ। एक फॉर्म की कॉपी करा सकते हैं, बनता तो 51 रुपये, तो आप दान कर दीजिए 51 रुपये। आप जो दान देंगे उसी से हमको ये लड़ाई लड़नी है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो केस लड़ रहे हैं उसी पैसे से, संसद में सांसदों को लेके जाना है उसी पैसे से, कानून बदलवाने हैं उसी पैसे से, सब लड़ाई उसी से लड़नी है। और हमने एक संकल्प और किया है कि किसी करोड़पति व्यक्ति से 50 करोड़ या 100 करोड़ नहीं लेंगे हम, 10 करोड़ में। ये ईमानदारी की है, कोई हमको 100 करोड़ देगा तो वो ईमानदारी का तो नहीं है, ये तो पक्की बात, वो तो बेईमानी का। और बेईमानी का पैसा बेईमान बनाता है, ईमानदारी का पैसा ईमानदारी लाता है। तो हमने देश भर में 5 करोड़ लोगों से 50-50 रुपए लेने का तय किया है हमारी लड़ाई के लिए। तो आप 50-51 रुपए देंगे, हमारा फंड बनेगा और आप मेंबर बनेंगे तो हमारी ताकत बनेगी। इसके बारे में गांधी जी कहते थे कि हर व्यक्ति खादी पहने तो भारत में कोई बेरोजगार ही ना रहे। तो उस खादी को हमने फिर जीवित करने की कोशिश की है, हाथ से बुनी, हाथ से कती,
और बहुत अच्छी प्रिंट की खादी यहाँ है, शायद बाजार में आपको ना मिले, आप थोड़ी थोड़ी लें, हमारे कार्यकर्ताओं की मदद हो, हमारे अभियान की मदद हो, सीडी आप लें और इसकी कॉपी करके लोगों को दें, पुस्तक लें, दूसरों को पढ़ने को दें, खुद पढ़ें और हमारे मेंबर बने। मेंबरशिप के लिए ये फॉर्म है, आप यहाँ आज हमारे बीच भारत स्वाभिमान एवं पतंजलि योगपीठ से राष्ट्रीय सचिव श्री राजीव जी दीक्षित यहाँ पधारे। हमने पहले भी इनका प्रोग्राम बनाया था कि ये मदुरई पधारे, लेकिन हमारे को उस समय मौका नहीं मिला और अभी हमने ट्राई की और हमारे बीच में श्री अश्विन भाई पटेल ने, जो यहाँ के प्रभारी है, उन्होंने भी बताया कि राजीव जी दीक्षित आ रहे और सर जी ये प्रोग्राम बन गया। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आपका। इनके साथ ही संपत कुमार जी जो प्रदेश अध्यक्ष भारत स्वाभिमान से पधार रहे हैं, और इनके साथ श्री निरंजन भाई किसान संगठन प्रदेश अध्यक्ष एवं पलट टाइम के संपादक, जो हमारे हर सप्ताह एक मदुरई में पलट टाइम आता है, उनके आप संपादक हैं। हमें इनका बहुत बहुत सहयोग प्राप्त होता है मदुरई की न्यूज़ लगाने में, उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं आज के आयोजक श्री शकल श्री शंख की तरफ से भारत स्वाभिमान के माला के बाद आमंत्रित करता हूँ हमारे नॉर्थ इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुरेश गुप्ता से कृपया सालियां। और शहीद के द्वारा बहुमान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री सुमतीनाथ जी ने आमंत्रित। धन्यवाद।
हम सभी आपका कृतज्ञता है, आपको की आभारी हो Thank you.